हेलो गाइस क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है रैंकर बूस्टर 1.0 सीरीज मैं आप सभी का स्वागत है और आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप टू मेंस लेवल यस 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 हेलो 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 क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर वन मोर अमेजिंग सेशन जल्दी से बताएगा फटाफट फटाफट फटा, फटा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस रैंक सीरीज को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं अगर आपका टारगेट है जेई फर्स्ट अब नाइनटी नाइन परसेंटाइल तो मैं आपको ये तो बता ही सकता हूं कि अगर आप इस सीरीज को बहुत सेंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको आपके टारगेट को अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाली है भाई और आपको हमारे लैंडिंग पेज के बारे में पता है अन अकेडमी का जो जेई लैंडिंग पेज है जिस पर आपको जेई की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ये जेई लैंडिंग पेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई दे जाएगा और एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए आपको पता है ना कि जेई मेन्स का सिलेबस अपडेट हो गया है तो आप सभी की काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी कि अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हमें जेई मेन्स के पी की प्रैक्टिस करनी है अभी जब हम पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कौन सा हमें छोड़ना चाहिए तो गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू विद इन टू टू थ्री डेज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के जो जेई मीन के पीवाई क्यूज हैं विद अपडेटेड सिलेबस वो हमारे जेई -E के लैंडिंग पेज पर अपलोड कर दिए जाएंगे यस सर बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है बिल्कुल आ चुकी है <laughs> और इस बार डेट शीट को देखने के बाद बोर्ड जो इस समय क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा गुड फील हो रहा होगा कि जय मीन्स सेकेंड अटैम्प्ट और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में उन्हें एक अच्छा खासा गैप मिल जाएगा कई बार लास्ट ईयर में जो सिनेरियो देखा गया था उस सिनेरियो में क्या होता था कि सेकेंड अटैम्प में ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था क्योंकि वो गैप काफ़ी कम होता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है बोर्ड शीट काफ़ी सोच समझ के बनाई गई है ठीक है मैंने अपने टेलीग्राम पर एक पोल करवाया था आप में से कुछ लोगों ने उसमें वोट भी किया होगा अच्छा बताइएगा कितने लोगों ने उस पुल पर वोट किया है मैंने पूछा था कि आज इस सेशन में भाई थ्योरी कवर करें या फिर जेई मेन्स के पी वाई उसको सॉल्व करें तो उसमें लोगों की काफ़ी मिसलेनियस टाइप की व्यूज़ आए कुछ लोगों का कहना था कि सर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए सर कुछ लोगों का कहना था कि बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाइए है ना तो सबके अपने अपने विचार थे एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि जो भी स्टूडेंट आज के इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं ना एग्जैक्टली उनकी नीड क्या है और मैंने सब आप लोगों के रिएक्शंस भी देखे अब मैं क्या कराने वाला हूं वो मैं बता देता हूं आपने अपने विचार रखे आप में से कुछ लोग चाह रहे होंगे कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए कुछ लोग चाह रहे होंगे कि सर एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल्ड में जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में बीस से पच्चीस लेक्चर में कवर करते हैं वैसे ही कवर कर दीजिए <coughs> तो देखो भाई दोनों पॉइंट और दोनों मुद्दे अपनी जगह सही हैं लेकिन हम यहाँ करने आए रिविज़न और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई कम से कम टाइम इंटरवल में हमें इफेक्टिवली वो कंटेंट मिल जाए जिससे हमारे जेई मेन्स लेवल तक के पी वाई क्यू हो जाए पहले गोल डिसाइड करिए कि गोल क्या है गोल क्या है जेई मेन्स यस और नो पक्का तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हमसे जेई मेन्स के पी वाई क्यू होने चाहिए तो फिर मैंने सोचा क्या मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊं यार आपको पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना बड़ा चैप्टर है कूलम्स लॉ लॉ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल कंडक्टर भैया अगर आप सभी के पास अपने क्लास नोट्स है ना तो उस क्लास नोट्स के जब पन्नों को पलटोगे ना तो पन्नों को पलटने में आधा घंटा लग जाएगा मानते हो इस बात को बताओ यार तो पूरी थ्योरी पढ़ा पाना जीरो से उस लेवल तक मैंने सोचा कि इसको पढ़ाने के लिए तो भाई कम से कम एक दो हफ्ते का वक्त चाहिए और अगर वन शॉट में कवर भी करना है तो वन शॉट में कम से कम 10 से 12 घंटे का अगर सेशन होगा ना तब जाकर के ये कवर हो सकता है लेकिन मैंने कहा ना मेरे पास इस समय इतना वक्त है और ना मेरे भाई बंधुओं के पास इतना वक्त है कि वो 10 से 12 घंटे तक डिवोटेड होकर के एक जगह बैठ करके या एक पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी पढ़े है ना तो अब मैंने फिर डिसाइड किया किया वो मैं आपको बता देता हूं मैंने यहां बीच का एक रास्ता निकाला मैंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव है भला होना चाहिए सबका मैंने सोचा कि एक बार पी वाई क्यू देखे पीवाई क्यू को एनालिसिस करने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले और कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो हमें आते हैं तो हमसे सवाल बन जाएंगे तो भाई तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील है या नहीं है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है मैं इसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा मैं जल्दी से फटाफट थ्योरी के वो पॉइंट्स या फिर जो मुझसे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में जानते होंगे जेवाओ कॉन्सेप्ट कौन सा भाई जेवाओ कॉन्सेप्ट मैं फटाफट वो जेवाओ कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं भी आती है ना तो ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि इतना बता करके चला जाऊंगा कि आपका भला हो जाएगा ना तो मैं डिटेल्ड में थ्योरी पढ़ाऊंगा ना मैं यहाँ कोई प्रूफ करने वाला हूँ लेकिन हाँ क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है कौन कौन से फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा अब आपको लग रहा होगा कि सर वो सब चीज़ें आप कैसे बताएंगे तो वो भी मैं बता दूं भाई उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया है पूरा इंतजाम करके आया हूं मैंने क्या किया हमारे पास एक ब्रेन मैप है उस ब्रेन मैप में क्या होता है कि एक पेज में पूरे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समराइज कर दिया जाता है क्या आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ब्रेन मैप है इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखी हैं वो भी लिखी हुई हैं तो मैंने कहा कि इसको जल्दी जल्दी यहां से कवर कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करते हुए बता देंगे बोलो सभी लोग सहमत हो मतलब तुम्हें बस मैं ये कहूंगा कि शिद्दत से जब तक ये सेशन चले ना मुझे नहीं पता कितनी देर चलेगा बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा कोशिश करेंगे बारह बजे तक बाइंड अप कर दें सब कुछ लेकिन जब तक ये सेशन चले तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि सिंसियरली बैठ करके सिद्धत से मेरी बातें सुन लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इतना बड़ा चैप्टर कोशिश करूंगा ढाई से तीन घंटे में बहुत इफेक्टिवली इस तरीके से कवरअप कर दूं कि तुम्हारा जेमेन्स के पीवाईक्यू क्यू आपसे बन जाए या जेमेन्स टू में अगर इलेक्ट्रो का कोई सवाल आए तो वो हमसे हो जाए बोलो डन

तैयार हैं तैयार हैं भाई कॉपी पेन निकाल के बैठ चुके हैं <coughs> सीट की पेटी बांध लीजिएगा अपने डिवाइसेस की बैटरी देख लीजिएगा फुली चार्ज हो जाइएगा क्योंकि अब मैं चलूंगा नॉन स्टॉप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है भाई आज आप लोगों का जोश बहुत हाई दिखाई दे रहा है सभी लोग एक्टिव हैं भाई अच्छा ये बताइएगा इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय क्लास ट्वेल्थ में और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय ड्रॉपर है जो क्लास ट्वेल्थ में है वो वन टाइप करें और जो ड्रॉपर है वो टू टाइप करें भाई पता तो चलना चाहिए ऑडियंस किस तरीके की है यस हाउ मैनी ऑफ यू फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ एंड हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम द क्लास थर्टींथ मतलब ड्रॉपर बैच से है क्या बात है क्या बात है भाई बहुत बढ़िया दोनों तरह की ऑडियंस दिखाई दे रही है वन टू वन टू वन टू बहुत बढ़िया ग्रेट 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 चलिए अब ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया जाए स्टार्ट किया जाए सेशन को तैयार हैं सभी लोग ओके नाइस तो देखिए सबसे पहला सेक्शन जो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सेशन क्या है वो है हमारे लिए यहां पर कूलम्स लॉ क्या है कूलम्स लॉ मुझे पता है कि कूलम्स लॉ सभी को पता होता है लेकिन कूलम्स लॉ के जो इफेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेगा कि कूलम्स लॉ सिर्फ और चार्जेस सिर्फ हो मतलब समझते हो इस दुनिया में पॉइंट क्या है पॉइंट एक रिलेटिव वर्ड है पहले तो ये बात समझो पॉइंट एक क्या है रिलेटिव वर्ड है पॉइंट एक्चुअली में आप कैसे डिफाइन करेंगे तो जैसे कि मैं यहां पर आपसे कहूं हाउ टू डिफाइन द पॉइंट तो मेरे भाई आपको यह बात समझ आ रही होगी जैसे मैंने यहां पर यह बोला कि यह एक बॉडी है और दूसरा यह बॉडी है क्या यह पॉइंट हो सकते हैं यह डिपेंड करेगा कि इन बॉडीज का रेडियस क्या है अगर सपोज मैंने यह कहा कि इस बॉडी का रेडियस आर वन है इस बॉडी का रेडियस आर टू है और आर वन की वैल्यू है वन एम एम ठीक और आर टू की वैल्यू कितनी है बेटा टू एम एम और अगर इनके बीच का ये डिस्टेंस जो है ना वो सपोज मैंने कहा दो किलोमीटर है, कितना है दो किलोमीटर अगर इन दो बॉडीज के बीच का गैप एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा हुआ तो मैं इसे एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं तो अगर इस बॉडी पे चार्ज अभी Q1 है और इस बॉडी पे चार्ज अगर Q2 है तो इस मोमेंट पर आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो मानते हो इस बात को यस और नो अगर आपसे यह पूछा जाए ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ मैं यह कहूंगा कि अगर मैं मान रहा हूं कि दोनों का नेचर सेम है तो उस फोर्स की वैल्यू को क्या लिखूंगा के क्यू टू बटे आर स्क्वायर कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन सुनना ध्यान से अगर इन दो बॉडीज के बीच का यह गैप दो किलोमीटर की जगह क्या होता मान लो तुम्हारे सामने दो एम एम होता क्या बोला मैंने दो एम होता मेरी बातों को गौर से सुनिएगा निगाहें स्क्रीन पर रहनी चाहिए <coughs> मैंने क्या कहा कि इन बॉडीज के बीच का जो गैप है ये जो गैप है अगर ये गैप सिर्फ दो एम होता ओनली टू एम तो क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूं नहीं मान सकता क्योंकि आज बॉडी के डायमेंशन और बॉडीज के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का है तो अगर कोई आपसे ये कहे कि इस बॉडी पे चार्ज है Q1, इस बॉडी पे चार्ज है Q2. तो बताओ Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया क्या आज आप यहां पर क्यू Q1, Q2 टू बटे आर स्कवायर लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे तो यह बात याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ इज ऑनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्जेस और पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है पॉइंट चार्जेस का मतलब यह है कि उन दो बॉडीज के बीच का जो गैप है जो सेपरेशन है वो इतना ज्यादा हो कि वो बॉडी के डायमेंशन के कंपेरिजन में बहुत हो बोलो क्लियर डन 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 यहां पर ये जो के होता है ना के ये के पता है क्या होता है अपॉन सभी को याद होगा क्यू वन क्यू टू डिड बाई वॉट आर स्क्वा एक और बात बता देता हूं Q1, Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है चाहे आप इसका मीडियम चेंज कर दीजिए चाहे Q1 और Q2 के बीच में दीवार लगा दीजिए तो भी Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी यस यस सेम रहेगी इस बात को याद रखिएगा अगर मान लीजिए Q1 Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो चाहे किसी भी मीडियम में रखे हो चाहे हवा हो पानी हो ऑयल हो वट कुछ भी हो क्यू वन पर उतना ही फोर्स लगाएगा मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर इनके बीच का मैंने सेपरेशन चेंज नहीं किया और सिर्फ मीडियम चेंज कर दिया तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है अब आपको लग रहा होगा नहीं नहीं सर हमने तो पढ़ा था कि यहां पर एप्सायल अपॉन एपसाइलेन आ रहा था मीडियम चेंज होने पर फोर्स चेंज हो जाता है आपने जो पढ़ा है उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं जब आप इसे किसी मीडियम में रखते हैं तो उस मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है और पोलराइजेशन होने की वजह से मीडियम भी फोर्स लगाता है तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस Q1 और Q2 को आपने किसी मीडियम के अंदर रख दिया तो उस मीडियम के अंदर Q2 के ऊपर सिर्फ Q1 फोर्स नहीं लगाएगा मीडियम भी फोर्स लगाएगा मतलब देखेगा मैं कहना क्या चाह रहा ध्यान ध्यान से से उस मीडियम का जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो हमें के दिया हुआ है कुछ लोग इसे के भी लिखते हैं और कुछ लोग इसे एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं के इज एप्सिलॉन आर इज वॉट जल्दी बताओ ये क्या है परमियटिविटी ऑफ द मीडियम ठीक है तो यहां पर देखो Q1 Q2 पर तो अभी भी फोर्स उतना ही लगाएगा जितना पहले लगा रहा था मान लीजिए इस फोर्स को आपने F0 कहा था तो ये F0 ही लगाएगा लेकिन अभी मीडियम भी फोर्स लगाएगा और मीडियम का जो फोर्स है वो फोर्स पता है क्या होगा वो फोर्स यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एफ एम इज वॉट फोर्स ड्यू टू द मीडियम तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स क्या होगा तो बेटा यहां पे जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू होगी एफ नॉट माइनस एफ एम तो आप यहां पे ये बता देता हूं कि जो ये नेट फोर्स होता है ये हो जाता है एफ नॉट बाई के मतलब इस वैल्यू को आप इसके बराबर लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है तो यहां से आप सब्रैक्ट करके ये भी निकाल सकते हैं कि मीडियम ने कितना फोर्स लगाया तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो Q2 टू पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम भी फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ मीडियम लेकिन Q1 ने Q2 टू पर जो फोर्स लगाया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये किस मीडियम में रखे हुए हैं इवन अगर इन दोनों के बीच में मैं एक लोहे की दीवार भी लगा दू क्या बोला लोहे की दीवार तो तुम्हें लग रहा होगा क्यू वन को तो देख ही नहीं पाएगा तो क्या क्यू वन पे फोर्स नहीं लगाएगा बताओ अगर यहां लोहे की दीवार लगा दी दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं तो क्या Q1 क्यू पे फोर्स नहीं लगाएगा तब भी फोर्स लगाएगा ये मैटर ही नहीं करता कि यहां पर बीच में मीडियम क्या है क्लियर है ये सारी बातें बोलो क्लियर है हम्म अब देखना यहां पर एक मिनट यस yes. अब मुद्दा यह आता है हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर यह एफ एम का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया तो मैं आपको बता दूं Q1 Q2 पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो पोलराइजेशन इस तरीके से होता है कि जो एफ एम है ना वो एफ नॉट के अपोजिट लगेगा जो मीडियम फोर्स लगाएगा क्योंकि यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जो के है के दिस इज अ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और आपको एक बात पता है कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होती है तो जब आप किसी मीडियम के अंदर रखते हैं किसके अंदर मीडियम के अंदर रखते हैं तो भाई फोर्स चेंज हो जाता है ये बात जानते हो मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक सिचुएशन देता हूं मैंने कहा क्यू वन पर हवा में मतलब जब वैक्यूम है क्या है वैक्यूम इसने इस इसपे फोर्स लगाया अस्सी न्यूटन कितना लगाया अस्सी न्यूटन अब देखना मैंने मीडियम चेंज कर दिया मैं किसी और मीडियम में आ गया मुझे मीडियम के बारे में नहीं पता अभी ये सिस्टम है और अभी ये बोला जा रहा है कि Q2 पे जो नेट फोर्स लग रहा है Q2 पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन वो 10 न्यूटन है कितना है 10 न्यूटन दिस इज नेट फोर्स तो क्या Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन है नहीं नहीं Q1 तो Q2 पर भी आज भी कितना फोर्स लगा रहा है जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट वो तो आज भी यहां पर कितना लगा रहा है अस्सी न्यूटन लेकिन तुम कहोगे कि सर नेट फोर्स तो चेंज कर दिया अरे भैया मीडियम ने भी फोर्स लगाया अब बताओ नेट फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो मीडियम ने कितना फोर्स लगाया होगा 70 न्यूटन लगाया होगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 70 न्यूटन ये एफ है समझे कि नहीं और ये 10 न्यूटन अब यहां पर ये भी पूछा जा सकता ना कि बताओ इस मीडियम का डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट क्या होगा तो आपको यहां यह समझना होगा कि जो नेट फोर्स है वो बराबर क्या था वैक्यूम में जो फोर्स था डिवाइडेड बाय डायट्रिक कांस्टेंट और यहां से k की वैल्यू कितनी आती है एट आती है तो एक बात याद रखना कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होती है वाटर के लिए के की वैल्यू फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं वो दिखाओ जल्दी फटाफट लिखते जाओ भाई आज के सेशन में यहीं पर रिवाइज करेंगे यहीं प्रैक्टिस करेंगे यहीं बाइंड अप करेंगे घर लेकर के कुछ भी उधार नहीं जाना मैं अगर आपसे यहां पर यह पूछू कि यह बताओ कि फोर्स टू पर वन ने कितना लगाया एफ टू वन को कैसे पढ़ोगे जल्दी बताओ यह है फोर्स अंग्रेजी बताओ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वन ने टू पे कितना फोर्स लगाया वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में तो देखो एक तरीका तो यह मैग्नीट्यूड लिखो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन इनके बीच का ये डिस्टेंस ये वाला वैक्टर और इसको आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन इसे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा आर टू वन वैक्टर के मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू वन वैक्टर का कैप क्या यही है इसे और भी तोड़ करके लिखा जा सकता है किस तरीके से देखना ध्यान से फटाफट के क्यू वन अपॉन इसको ओपन करोगे तो पता है ये क्या बनेगा आर टू माइनस र वन वैक्टर सुनना सुनना ध्यान से सुनना इसका पता है क्या लिखोगे एक मिनट इसके मॉड का क्यूब और ऊपर आएगा पता है क्या आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर यह आएगा आज के बाद जब भी तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो याद रखना डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा क्यूब आएगा यहां सवाल गलत क्यों होते हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते टू में से वन माइनस करूं वन में से टू माइनस करूं जिस जिसपे फोर्स निकालना है उसको इज्जत ज्यादा मिलेगी इज्जत ज्यादा मिलेगी मतलब वो पहले आएगा किस पे फोर्स निकालना है जल्दी बताओ वन पर या टू पर बोलो भाई बोलो जल्दी बोलो यार फोर्स टू पे निकालना है तो टू का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा वन का बाद में आएगा ये समझ में आया मैंने यहां से यहां पे ये यह कैसे पहुंचाऊं क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ा होगा आप जानते होंगे कि, कि किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है यूनिट वैक्टर को लिखने का तरीका है वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड बोलो मानते हो बस भाई उसी को एक्सपेंड करके लिख दिया लेकिन एक बात याद रखना मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इस बात को भूल गए होंगे जब भी हम वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं किसमें वैक्टर फॉर्म में तो कोई भी फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं लिख लो इस बात को उसमें सभी वैल्यू विद साइन रखी जाती हैं ये बात मैं यहां बता रहा हूं लेकिन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज करूंगा तो याद रखना अगर आप कुलम्स लो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो यहां q1 और q2 की वैल्यू कैसे रखोगे विद साइन या विदाउट साइन जल्दी बताओ विद साइन या विदाउट साइन भाई <coughs> बोलो भाई बोलो 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 भाई बोलो भाई बोलो, बोलो। आनंद आ रहा है क्लियर है क्या मेरे कॉन्सेप्ट मेरे या तुम्हारे जल्दी बताओ मेरे तो क्लियर है तुम बताओ क्लियर है क्या क्यू वन क्यू टू विद साइन रखोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तो ये है वेक्टर फॉर्म इस वेक्टर फॉर्म को आप याद रख सकते हैं कूलम्स लॉ की कहानी हुई खत्म जब हम बात करते हैं स्केलर फॉर्म की स्केलर फॉर्म में हम क्या ना मैग्नीट्यूड खुद देख लेते हैं मैग्नीट्यूड खुद देख लेते हैं और डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेते हैं इस बेसिस पर कि भैया चार्जेस का नेचर सेम है या फिर चार्जेस का नेचर अपोजिट है ठीक आगे आ जाओ अब आते हैं यहाँ पर ये ख़त्म हुआ कूलम्स लॉ क्या खत्म हुआ भाई कूलम्स लॉ अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पर इस पे आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पर ये रहा देखिएगा जल्दी जल्दी फटाफट निपटाते जाएंगे भाई काम काम की सर, सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या भाई पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा टेंशन मत लो आपको पीडीएफ मिल जाएगा आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगा और अन अकेडमी जेई सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा टेंशन मत लो लिखने की टेंशन मत लो सिर्फ सुनते जाओ आराम से घर बैठ करके बाद में लिख लेना ठीक है सब मिलेगा भाई सब मिलेगा हाँ ये देखना भाई फॉर्मूला बुकलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या ये सभी को याद है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है इस बात को याद रख लेना क्या कर लेना याद कर लेना अब बात करूं अगर डायरेक्शन की तो डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो क्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा फ्रॉम द चार्ज और अगर क्यू नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू वर्ड होगा ये बात आप सभी को पता होगी यहां पर जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहूं सुनना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं फोकस इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा एक बात बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है क्यों भाई ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है ना बहुत बढ़िया यहां पर सुनना ध्यान से ये रहा पॉइंट चार्ज जो कि यहाँ रखा हुआ है इसकी वजह से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया तो मेरे लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस पता चल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं बता सकता हूँ क्या होगी के क्यू बायर स्क्वायर मुद्दा ये है कि पॉइंट चार्ज की वजह से या तो अवे होगा या टू आर्ड्स होगा वो डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका वैक्टर फॉर्म भी आता है आपको कि नहीं आता है मान लो कल आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए सुनना ध्यान से ये रहा पॉइंट चार्ज ये रहा इसका पोजिशन वैक्टर इस पोजिशन वैक्टर को अपन ने बोल दिया आर वन क्या बोल दिया आर वन हमने स्पेस में कोई एक पॉइंट लिया पी आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा ना तो दो सवाल जरूर बताए जाएंगे किसकी वजह से और किस जगह पर जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड पूछा जा रहा है कैसे लिखोगे तो सबसे पहले पॉइंट पी का पोजिशन वैक्टर निकाल दो मान लो इसको आरपी बोला बेटा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जल्दी बताओ ऑरिजिन से डिस्टेंस या क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस पता है मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जानते होंगे क्या होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तो हम तो इसको पता है इस तरीके से याद रखता हूं कि भैया यहां पे बनाओ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब ये वाला फॉर्म डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं वैक्टर फॉर्म में जब लिखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला मैंने वैक्टर फॉर्म में जब लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्यू चार्ज पता है फॉर्मूला क्या बनेगा K, के ऊपर क्या आएगा क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि डिस्टेंस यहां पे क्या होगा आर पी वन के मॉड का स्क्वायर समझ आ रहा है आगे क्या लिखूंगा आर पी वन वैक्टर का यूनिट वैक्टर ये आएगा ये आएगा भाई ये आएगा बोलो यस और नो बोलो यस और नो अभी अगर मैं इसी को ओपन करूं और एक्सपेंड करूं तो ये फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ट होगा वो देखिएगा इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं के क्यू अपॉन आर पी माइनस आर वन वैक्टर के मॉड का क्यूब समझ रहे हो आगे क्या आएगा आर पी वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर बस लगा दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या ये बात सभी को याद रहेगी और हमेशा एक बात याद रखना कि मान लो अगर आपके पास इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है जिस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस एक से ज्यादा है तो आपको क्या करना है इंडिविजुअली हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसका वैक्टर एडिशन कर देना है मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई इस तरीके के सवाल अभी आप देखेंगे कि भर भर के मिलेंगे मान लीजिए आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई यहां पे चार्ज है क्यू यहां पर है क्यू यहां पर क्यू है और यहां पर है माइनस क्यू सुनना ध्यान से ये है पॉइंट ओ पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर और इस स्क्वायर की साइड लेंथ है ए मेरे भाई ध्यान से देखना अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे क्या इंडिविजुअली हर चार्ज का निकाल के वैक्टर एडिशन करोगे लेकिन भाई जब वैक्टर एडिशन करो तो दिमाग खोल के रखना। इसमें क्या होता है कि कई बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है हाँ भाई हाँ भाई यस, यस, यस। कैसे कम करनी पड़ेगी बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे अच्छा एक बात बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, है चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो अवे होगा इस तरीके से और इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से अवे होगा क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में निपट जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है अब देखना इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और नेगेटिव की वजह से भी इधर होगा तो आप यह बात समझ पा रहे होंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस नेगेटिव देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से अवे या towards, से अवे या या नेगेटिव की वजह से होता है तो नेगेटिव कभी एड होगा तो ई प्लस ई बताना क्या बन जाएगा जल्दी बताओ क्या बन जाएगा यह बनेगा बेटा टू ई तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा टू ई और ई e का वैल्यू बताना क्या लिखोगे E है इस पॉइंट चार्ज का फील्ड कहां पर सेंटर पर और सेंटर पर फील्ड क्या लिखा जाएगा जल्दी बताओ फटाफट सेंटर पर फील्ड क्या लिखा जाएगा के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा ए बाय टू कितना होगा बेटे ए बाय टू का होल स्क्वायर तो वैल्यू बनेगी टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो क्या आंसर मिल जाएगा क्या यही आ रहा है भाई बोलो यस सर नो क्या बहुत ही आसान है या नहीं है तुम्हारे लिए आज के बाद जल्दी बताना सोच कर बताना फटाफट बताना कि कभी भी अगर पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ क्या आप वेक्टर एडिशन करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं लेकिन वेक्टर एडिशन करते समय थोड़ा सा दिमाग खोल करके जरूर रखिएगा क्योंकि कई बार आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं तो सुनना भाई ध्यान से यह फॉर्मूला सभी को याद हो गया पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई पहला फॉर्मूला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सभी को याद हो चुका है अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर यह फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद करते हैं या आप लोगों को कैसे याद करना है वो सुन लेना भाई सभी को याद होगा वैसे तो यहां पर अगर ये एक वायर है क्या है वायर यूनिफॉर्म वायर है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लेमडा इसकी वजह से मुझे अगर पॉइंट पर क्या पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो क्या निकाल लो डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा नहीं मानते इसको डी मान लेते हैं क्या मान लेते हैं बेटे डी क्या आया डिस्टेंस जल्दी बताओ जल्दी बताओ डी आया ठीक है अगला क्या करना है तुम्हें इस पॉइंट से वायर के एंड पॉइंट को जोड़ देना है। और ये एंगल निकाल लो मान लो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कितना है बीटा तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं एक परपेंडिकुलर और एक पैरल जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये जो कि वायर के परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू क्या होती है बताओ के लेमडा बाई डी मुझे इस तरीके से याद रखता है साइन थीटा में ऊपर लगाऊंगा अपर लिमिट और नीचे लगाऊंगा लोअर लिमिट बस ये याद कर लो और जो पैरवल कंपोनेंट है कौन सा पैरवल कंपोनेंट अब पैरवल कंपोनेंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि अल्फा और बीटा में से कौन कम है कौन ज्यादा है तो यहां पर जो पैरवल कंपोनेंट है वो क्या होता है भाई के लेमडा बाई डी थीटा और यहां पर आएगी अपर लिमिट और यहां आएगी लोअर लिमिट बस ये याद करना है भाई याद करने का एक जुगाड़ बताऊं बचपन में हमें यह सिखाया गया था जब वेक्टर पढ़ाया गया था तो हमें यह बोला गया था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कॉस्ट थीटा होता है जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइन थीटा होता है जल्दी बताओ क्या ये बात आप सभी को याद है तो बस मुझे वही चीज आज मेरे जहन में बैठी हुई है मैं कहूंगा कि जब वायर के परपेंडिकुलर फील्ड का कंपोनेंट निकालूंगा तो साइन थीटा आएगा और वायर के पैरवल कंपोनेंट निकालूंगा तो थीटा आएगा बोलो यस और नो बेटा यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है मतलब मैं यहां से ऊपर गया और यहां से नीचे आया एक बात बताना वायर के टॉप एज को टच करने के लिए मुझे यहां से क्या ऐसे अल्फा एंगल रोटेट होना पड़ेगा लेकिन ये कौन सा सेंस है ये है क्लॉकवाइज और ये वाला कौन सा सेंस है ये है एंटी क्लॉकवाइज तो एक बात बताओ एक बार गए क्लॉकवाइज एक बार गए एंटी क्लॉकवाइज ये तुम्हारे जहन में है लेकिन मैथ्स वालों को कैसे पता चलेगा जब यहां पे आप लिमिट कैसे रखोगे जब यहां पे आप लिमिट क्या रखोगे एक बार अल्फा और एक बार माइनस बीटा मतलब इस सिचुएशन में अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा के लैमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया क्या सभी को ये फॉर्मूला याद है और बताइए इस केस में क्या आएगा के लैमडा बाई डी कॉस अपर लिमिट क्या रखोगे अपर लिमिट रखोगे अल्फा और लोअर लिमिट रखोगे बीटा वही यहां पे करना है कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा एक बात हमेशा याद रखना कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो जनाब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो होगा ही होगा पैरेलल कंपोनेंट कुछ केसेस में जीरो भी हो सकता है अच्छा बताओ कब जीरो होगा आपको समझ में आ रहा होगा अगर ये पॉइंट पी यहां पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता मतलब अगर अल्फा बीटा के बराबर होता अगर अल्फा बीटा के बराबर होता तो जल्दी बताना क्या पैरवल कंपोनेंट जीरो होता बोलो यस और नो जल्दी बताओ फटाफट सोच के तो याद रखना ये कंपोनेंट हो भी सकता है और इट मे बी पॉसिबल ना हो वो चेक करना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ये फार्मूला याद नहीं करना ना 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 धोखा हो जाता है भाई फार्मूला तुम्हें कौन सा याद करना है ये वाला याद करना है क्या ये फॉर्मूला सभी को याद है याद है तो बहुत बढ़िया नहीं याद है तो अभी याद करो आज का हिसाब आज ही करेंगे क्या ये फॉर्मूला सभी को याद है नहीं याद है तो याद करो भाई ये वाला भी करो जाओ अगर मान लो सुनना ध्यान से भैया जो पॉइंट पी है क्या वो जरूरी है कि हमेशा वायर के सामने होगा बोलो क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा वायर के सामने होगा मान लो ये ये रहा वायर और जो पॉइंट है मान लो केस नंबर टू डिस्कस कर रहे, हैं। क्या कर रहे ये रहा वायर और ये रहा पॉइंट पी और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इस समय है डी अब आप देखिए ये पॉइंट पी जो है वो वायर के फ्रंट में नहीं है थोड़ा सा नीचे है तो क्या करें आप इस पॉइंट को ज्वाइन करें और इस पॉइंट को ज्वाइन करें ठीक है भाई मान लीजिए ऊपर वाले एंड को ज्वाइन करने के लिए आपको कितना एंगल घूमना पड़ा अल्फा और नीचे वाले एंड को पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ा बीटा आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर ये पॉइंट पी वायर के फ्रंट में नहीं है तो वायर के दोनों एंड्स को कवर करने के लिए आपको हमेशा सेम एंगल में जाना पड़ेगा तो इस बार जो लिमिट लगेगी उसमें अल्फा और बीटा दोनों का साइन क्या रहेगा सेम रहेगा तो भाई जल्दी बताना कि अगर मैं तुमसे पूछता कि यह परपेंडिकुलर कंपोनेंट बता दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखते के लेमडा बाई डी हाँ ना आगे क्या लिखते साइन थीटा लेकिन बेटा ऊपर आता अल्फा और नीचे भी आता बीटा प्लस बीटा है माइनस बीटा प्लस बीटा ही आता तो इस बार जो फॉर्मूला बनता वो क्या बनता के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा क्या याद रहेगा बोलो यस और नो और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये रहा पैरल कंपोनेंट बता दीजिए के लैम्डा बाई डी क्या बनता आगे बोलो जल्दी बोलो ये तो वैसे ही बनता कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा बोलो डन 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 बोलिए डन 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 क्या आप सारे फॉर्मूले आपको याद हो रहे हैं क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं भाइयों ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा आपके क्लास नोट्स में भी हो सकती हैं नहीं है तो कोई नई चीज़ अगर आपको सीखने को मिल रही है तो प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करिएगा केस नंबर वन दिस इज़ अ केस नंबर टू आ जाइए पीछे आऊंगा भाई जल्दी बताना क्या इस फॉर्मूले का खात्मा कर चुके हैं क्या अब ये कह रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो पढ़ो हेडिंग पढ़ना क्या लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर है तो ये क्या ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल होगा जब वो पॉइंट पी वायर के फ्रंट में होगा अदरवाइज धोखा हो सकता है ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज भाई ये एक बात याद रखना कि अगर कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यह जो पॉइंट पी है ना इस पॉइंट पी से वायर के दो एंड पॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहे अच्छा एक बात बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इनफाइनाइट का मतलब क्या एक ऐसा वायर जो कश्मीर से चलाया और कन्याकुमारी तक है क्यों क्या इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इनफाइनाइट वर्ड इज अ रिलेटिव वर्ड अगर इस वायर की लेंथ एज कंपेयर टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई तो ये वायर आपके लिए इनफाइनाइट लेंथ का बन जाएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखाई दे रहा है अभी मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि ये वायर तुम्हारे लिए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है अभी कहोगे कि सर फाइनाइट है क्यों क्योंकि तुम्हें वायर का ये एंड भी दिखाई दे रहा है यह एंड भी दिखाई दे रहा है लेकिन सुनना अगर मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊं ये लो भाई ये ले आया क्या तुम इस समय इसके दोनों एंड्स देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे तो वही वायर जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए फाइनाइट था जब ये वायर तुम्हारी आंखों के बहुत क्लोज पहुंच गया तो वही फाइनाइट वायर क्या तुम्हारे लिए इनफाइनाइट बन गया तो इनफाइनाइट का मतलब समझना मेरे भाई बहुत जरूरी है इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि एक वायर ऐसा जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो इनफाइनाइट का मतलब यह कहेंगे एक वायर ऐसा जिसकी जो लेंथ है वो लेंथ एज कंपेयर टू डिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है समझे या नहीं मतलब अगर मैं यह कहूं कहना क्या चाहता हूं कि मान लो इस वायर की लेंथ होती दो मीटर लेकिन ये डी की जो वैल्यू है वो होती दो एम एम आप सोचिए आप देख करके सोचिए लगभग हजार गुना ज्यादा हो गया तो यही वायर जो फाइनाइट लेंथ का है क्या वो इनफाइनाइट बन जाएगा बोलो यस और नो तो भाई सिंपल सी बात है अगर वायर तुम्हारे पास इनफाइनाइट लेंथ का हो तो इसका मतलब ऊपर वाला एंड और नीचे वाले एंड को टच करने के लिए तुम्हें नाइनटी नाइनटी घूमना पड़ेगा तो अभी आपने जो फॉर्मूला याद किया था यहां पर थीटा वन की वैल्यू नाइनटी रख दो और थीटा टू की वैल्यू भी क्या रख दो नाइनटी तो नाइन्टी रखोगे तो यह आ जाएगा टू के लेमडा बाय आर कितना आ जाएगा टू के लेमडा बाय आर ठीक है भाई क्या ये बात आप सभी को याद रहेगी बहुत बढ़िया और आप यह समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं पैरवल कंपोनेंट की बात करूं तो बेटा पैरवल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर हो गए ठीक है इतनी सी इंफॉर्मेशन है लाइन चार्ज के रिगार्डिंग मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको याद रहेगी अब मैं आगे मूव करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मैं रिंग को थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं अगर तुम्हारे पास ये रिंग है ठीक केस नंबर तीन रिंग की बात कर रहे हैं और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है मतलब तो इसका लैमडा कांस्टेंट है आपने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया इधर ठीक और ये पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर है एक्स डिस्टेंस पर और इस पॉइंट पर अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए याद कर लेना सभी को याद भी होगा क्या लिखते हो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो यही लिखते हो वैसे मैं आपको बता दूं ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू ये है क्या ये एक्चुअली मैं तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये डिस्टेंस है ये वाला ये जो डिस्टेंस है अगर इस डिस्टेंस को मैंने डी कहा तो आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो है या नहीं तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी याद किया जा सकता है कैसे बताओ के क्यू एक्स अपॉन डी का क्यूब बोलो याद हो जाएगा बताओ डी क्या है समझ में आ रहा है इस पॉइंट से रिंग के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो वो डी है दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुद्दे की बात ये है क्या आपको इसका ग्राफ पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का क्या आपको ग्राफ पता है मैं आपको बता देता हूं यहां पर इस इस ग्राफ कुछ तरीके से बनता है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा फिर घटेगा सिमिलरली इसी तरीके से सेंटर से अगर पीछे चले जाओगे तो उसमें भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और इस तरीके का ग्राफ बनेगा यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बोलो डन क्लियर है ये बात यहां पर यह बात पता है क्या आपको कि मैक्सिमा कहां पर आता है मैं आपको बता दूं कि यह जो मैक्सिमा है यह आएगा आर बाय रूट टू डिटेंस पर कितने पे आएगा आर बाय रूट टू मतलब जब आप एक्सिस से आर बाय रूट टू डिस्टेंस पे होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मैक्सिमा का हाफ मिला आप ऑब्जर्व करना अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां भी दो पॉइंट पर कट करेगी और यहां भी दो पॉइंट पर कट करेगी देखो ये ग्राफ नीचे तो ये दिखा रहा है कि जब आप सेंटर के पीछे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया सेंटर के आगे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ है सेंटर के पीछे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे है तो भाई ये वैल्यू याद कर लो पहले तो आर बाय रूट टू तो। बोलो क्लियर है इतना हां <coughs> भाई बोलो भाई क्या हुआ डन 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 क्या यहां तक सारी चीजें समझ आ चुकी हैं अब एक और बात बताता हूं मैं यहां पे आपके सामने दो केस कंसिडर करता हूं पहला केस अगर आप की जो एक्स की वैल्यू है वो आर के कंपैरिजन में बहुत कम है मतलब इसका मतलब यू आर वेरी क्लोज टू द रिंग वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ रिंग बोलो मानते हो तो यार अगर ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्स जो है वो आर से बहुत छोटा है तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग क्या आएगी बताओ क्या आने वाली है सोच करके बताना क्या हुआ कुछ गलत लिखा क्या हाँ भाई क्या हुआ चलिए ठीक है पता नहीं क्या बोल रहे है सर एक्स को निगलेक्ट कर दीजिए नहीं नहीं भाई ध्यान से देखना ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले में एक काम करो यहां से तुम इसकी वैल्यू को बाहर निकालो किसको इसको आर स्क्वायर को बाहर निकालो तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा के क्यू एक्स अपॉन बाहर आएगा आर क्यूब और अंदर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू क्या यही बनेगा लेकिन अगर एक्स आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि भाई ये वैल्यू अप्रोचेज टू क्या हो जाएगी जीरो तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर यह वैल्यू आ रही है कितनी के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स मतलब अगर आप रिंग के बहुत क्लोज आ चुके हैं तो ये वेरिएशन लगभग आप लीनियर मान सकते हो मतलब यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर अगर एक्स बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा अब इस पर पता है एस के क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सेंटर के मैंने बहुत करीब एक नेगेटिव चार्ज रख दिया और अब मैं पूछूं कि उस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा तो आप कहोगे क्यू इंटू e. अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा तो आप खुद ऑब्जर्व करना आप फोर्स की वैल्यू को क्या लिखोगे Q मल्टीप्लाइड दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर भाई देख करके समझ में आ रहा है एस एच एम की याद आ गई होगी आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या आपका फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है अगर बेटा फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई टाइम पीरियड भी पता चल गया क्योंकि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं क्या बेटा जल्दी बोलो क्या एक्सलरेशन एक्सेरेशन क्या लिखूंगा एफ बाई एम ये रहा फोर्स मास से डिवाइड मार दू पक्का मास से डिवाइड किया बताओ क्या बनेगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम आर क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या यहां से तुम्हें एस एच एम की याद आ रही है ये चार्ज नेगेटिव है अगर चाहो तो माइनस साइन भी लगा सकते हो पॉजिटिव चार्ज होता तो भाग जाता ये कौन है ये है ओमेगा स्क्वायर और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो जल्दी बताना टाइम पीरियड आप जानते हो टू पाई बाय ओमेगा होगा बोलो यस और नो मतलब इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द रिंग देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ये है केस नंबर वन भाई अगर केस नंबर टू पे आता हूं केस नंबर टू पे आता हूं सुनते जाइएगा क्या अगर तुम बहुत दूर चले गए मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो आर से बहुत ज़्यादा है पिछले केस में एक्स की वैल्यू बहुत कम थी अगले केस में एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो देखो सिंपल सी बात है जो ज़्यादा है उसे बाहर निकाल लो इज्जत के साथ क्योंकि जो वैल्यू ज़्यादा है वो छोटी वैल्यू के साथ रहना पसंद नहीं करती तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें अपन ने क्या किया के क्यू एक्स बोलो अपॉन क्या करूँगा ध्यान से सुनना एक्स को बाहर निकाल लूँगा तो ये बाहर आएगा एक्स क्यूब और अंदर क्या बनेगा अंदर बनेगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाई टू यस और नो जल्दी बताना मेरे भाई अगर एक्स बहुत ज़्यादा है तो क्या वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगी और अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो ध्यान से देखना ये पूरा टर्म वन बन चुका है एक्स ऊपर एक्स क्यूब नीचे क्या एक एक्स और कैंसिल आउट होगा तो बताओ ये वैल्यू क्या के क्यू बायक्सर आ रही है इफ यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द रिंग तो वो रिंग तुम्हें एक पॉइंट चार्ज दिखेगा ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं के क्यू बाय एक्स स्क्वायर अगर आपको याद हो एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू यही होती है तो मैं आपको यही बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर कोई भी बॉडी से अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो वो बॉडी आपके लिए पॉइंट बन जाता है क्या बन जाता है पॉइंट बन जाता है और वो चीज आपको यहां देख करके समझ भी आ रही होगी क्लियर है बहुत बढ़िया इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज चलिए भाई ये कौन है भाई साहब क्या कह रहे हैं सब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कॉलोनी में बरात आई हुई है तो कोई बात नहीं है भाई उस बारात में जाकर के भांगड़ा डांस कर लो मस्त हो जाओ <laughs> टेंशन क्यों ले रहे हो पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी एक काम करो बारात में जाओ अच्छे कपड़े पहन करके नाच के आ जाओ मन अच्छा हो जाएगा चलिए भाई चलिए आगे बढ़े क्या भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है जल्दी बताना भाई आनंद क्या आनंद की अनुभूति हो रही है आपको क्या यहां पर कुछ नई चीजें पता चल रही हैं आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क एट द सेंटर हाँ भाई देखना भाई देखना अगली चीज आपसे क्या पूछी गई है आर्क एक बात हमेशा याद रखना जैसे ये आर्क है इसकी वजह से सेंटर पर फील्ड निकालना है तो क्या करना है आर्क को ज्वाइन करो और ये देखो कि एंगल कितना है ये आपको पता चल गया अगर ये एंगल पता चल गया तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है टू के लैमडा बाई आर साइन अल्फा बाई टू इस फॉर्मूले को याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना कि अल्फा क्या है अल्फा इज अ टोटल एंगल सब टेंडेड टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क और इसका डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन हमेशा एंगल बाईसेक्टर के अलोंग होगा अल्फा की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि भैया ये जो आर्क है ये कितना एंगल बना रहा है जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है कैसी सेमी सर्कुलर रिंग है सुनिएगा ध्यान से आ जाइए भाई आर्क पे आ जाइए यहां पर देखना भाई ये आर्क और मैंने कहा ये अगर सेमी सर्कुलर है और इसमें इधर वाले पे है पॉजिटिव चार्ज और इधर वाले पे है बेटा नेगेटिव चार्ज ठीक ये रहा पॉइंट ओ मतलब इसकी लीनियर लीनियर चार्ज चार्ज डेंसिटी डेंसिटी प्लस है और इसकी लीनियर चार्ज मेरे भाई माइनस माइनसा है और ये है आर। क्या ये अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ओ पर जल्दी से बताइए फटाफट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी क्या तुम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाओगे पहली बात तो यहां पर आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे हाफ ऑफ द इस पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज है और इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज है तो इस पोर्शन को अलग डील करोगे इस पोर्शन को अलग डील करोगे और दोनों के रिजल्ट को फाइनली कंबाइन कर दोगे क्या बोला समझ आया यहां पर देखना इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगा जल्दी बताओ इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगा इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इधर होगा और अगर मैं पूछू इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो क्या लिखोगे टू के लेमडा बटे आर अल्फा बताओ इसके लिए अल्फा क्या होगा क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फा यहां पे पाई बाई टू होगा, और आपको अल्फा बाई टू करना है क्या मैं कह सकता हूं साइन पैंतालीस डिग्री यस और नो अब इसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होगा टू वार्ड होगा टू वार्ड होगा क्या ये बात समझ आ रही है तो अगर टू वर्ड्स होगा मेरे भाई तो जल्दी से दिखना क्या मैं कहूंगा वो इधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी ई e और ये भी ई e, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये एंगल है 90, कितना है 90? तो e और e, इसका रिजल्टेंट इधर आया और ये वैल्यू हो गई कितनी रूट टू टाइम्स ऑफ ई ये बात आपको समझ आ रही होगी नाइनटी डिग्री क्यों है क्योंकि हमेशा एंगल बाई के अलोंग रहता है तो आप यहां पर अगर नेट फील्ड पूछा गया तो नेट फील्ड की वैल्यू मेरे भाई जल्दी बताओ क्या लिखने वाले हो रूट टू इंटू टू के लेमडा अपॉन आर साइन पैंतालीस की वैल्यू बताओ कितनी होती है वन बाय रूट टू और आगे आई कैप क्या रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टू के लेमडा बाय आर आई कैप बताओ जल्दी समझ में आया कि नहीं आया क्या आप लोगों का आंसर यही आ रहा है क्या हाँ आया ना क्या फार्मूला याद रहेगा लेकिन याद रखना कि यह कहां पर है यह वैल्यू कहां पर है यह वैल्यू है ऑन द सेंटर कहां पर सेंटर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है और एक और बात मैं यहां पे बताना भूल गया था दोबारा बता देता हूं यह बात याद रखिएगा कि रिंग के सेंटर पे, रिंग के के सेंटर सेंटर पे पे फील्ड की वैल्यू जीरो होती है याद रखना आगे करके कुछ और भी बताऊंगा लेकिन अभी यह याद रखना कि रिंग के सेंटर पे यह वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ठीक है तो रिंग के सेंटर से जब आगे मूव करोगे तो पहले फील्ड बढ़ेगा फिर घटेगा कब तक बढ़ेगा आर बाय रूट टू तक और ऐसे ही पीछे जाओगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा डन 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 क्या सारे फॉर्मूले याद होते जा रहे हैं क्या बढ़िया रिवीजन चल रहा है भाई बोलो भाई चलें आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आइए भाई बताइए पॉइंट 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 नंबर 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 क्या कवर हो गया बोलो यार, बोलो यार जल्दी बोलो भाई जल्दी बहुत बढ़िया अब आते हैं बेटा आगे अगली तरफ बढ़ते हैं भाई रिंग कवर हो चुकी है अब आते हैं डिस्क पर किस पर आते हैं डिस्क पर कैसा लग रहा है भाई इफेक्टिव रिवीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है भैया जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाओ थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने वाला है भाई उसके बाद पी वाई क्यू लगाना शुरू कर देंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी सर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कौन से लोकेशन पे होता है अगर रिंग का रेडियस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है आर बायट टू पर कहां पर आर बाय रूट टू पर अब आते हैं डिस्क भाई फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट अगर तुम्हारे पास कोई भी डिस्क दी गई है क्या दी गई है डिस्क और तुमने यहां पे एक पॉइंट लिया जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क तो सुनना आप क्या करोगे इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करोगे और सपोज ये एंगल है थीटा क्या है थीटा ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है ना इस डिस्क को अपन हाँ यूनिफॉर्म कह रहे हैं और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा तो भाई इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ये होती है सिग्मा बाई टीटा याद हो गया क्या सभी को याद है बहुत बढ़िया कॉस्ट थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग समझदार हैं कॉस्ट थीटा होता है बेस दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस आपको पता है ये रेडियस है तो बताओ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटे दो हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताइए फटाफट बताइए पक्का बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताना मुझे अगर मैं ये पॉइंट धीरे धीरे पास में लेकर के आऊं तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी और अगर मैं यहां पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाऊं इफ आई एम वेरी क्लोज टू द डिस्क तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस समय ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है इट इज अप्रोचेस टू नाइन डिग्री और करीब आ जाऊं आपके पास इस तरीके से लाइक like दिस क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि थीटा की वैल्यू तुरंत नाइनटी हो जाएगी और थीटा अगर नाइनटी हो गया तो कॉस्ट नाइनटी की वैल्यू बताना भाई कितनी होगी जीरो तो पर हम कह सकते हैं कि जब थीटा 90 को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा सिप्स एल ए नॉट होगी और तुम सोचो कि अगर डिस्क के बहुत करीब चले गए तो वो डिस्क तुम्हें एक शीट जैसी दिखाई देगी और एक शीट की वजह से याद कर लेना एक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से मैंने एक और वर्ड बोला नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर की कहानी थोड़ी अलग होगी एक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय टू एप्स नॉट होती है क्या होती है सिग्मा बाय टू एप होती है डन और यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करना अगर कोई आपसे कहे कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए क्या ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ आगे आइए अगर कोई आपसे कहे कि यहां पर जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखा है जल्दी बताओ सिग्मा बाय टू एपलेनोट इंटू वन माइनस थीटा बोलो यस और नो इसका यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं में है, फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। आज के सेशन में कमिटमेंट है मेरा से कि मेरे साथ जिस से मुझे फॉर्मूले याद हैं और जिस फ्रीक्वेंसी से मैं बोल रहा हूं मेरे साथ तुम्हें तो भी बोलना है चार बार बोल लोगे अपने आप याद हो जाएगा सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि सर फॉर्मूले याद नहीं भैया फॉर्मूले याद नहीं है ना मेंस का पेपर फोड़ नहीं पाओगे इसका ग्राफ बनाना है इसका ग्राफ पता है कैसा बनेगा यहां पर सेंटर पे फील्ड सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद कम होता है इसी तरीके से पीछे जाओगे तो फिर ऐसे बनेगा यहां पर जो फील्ड की वैल्यू है वो लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 यहां पे माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन क्योंकि आगे या पीछे जाओगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा पॉइंट पता है क्या है डिस्क के सेंटर पर फील्ड जीरो नहीं होता अब लोग कहते हैं कि सर जीरो क्यों नहीं है आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि डिस्क के सेंटर पर तो जीरो होना चाहिए क्योंकि भाई डिस्क देखने में कैसी दिखती है बताओ जल्दी बताओ डिस्क देखने में कैसी दिखती है ये रहा एक मिनट भाई ये क्या बन गया हाँ डिस्क ऐसी दिखती है अब तुम कहोगे कि अगर सर हम डिस्क के सेंटर पर चले गए तो डिस्क बनी किससे मैंने कहा रिंग से सुनना सवाल तो सर रिंग की वजह से सेंटर पर फील्ड क्या होता है मैंने कहा जीरो तो मैं कहूंगा एक डिस्क में बहुत सारी रिंग है मैंने कहा बिल्कुल है तो सर हर रिंग की वजह से सेंटर पर क्या होगा मैंने कहा जीरो तो सर सबका जीरो है लेकिन आप तो कह रहे हो कि यहाँ पे सिग्मा बाय टू एक्स एल एट आ रहा है सवाल तो बढ़िया है लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हर रिंग का जीरो होगा लेकिन जब तुम सेंटर वाले जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचे तो सेंटर पे भी तो एक चार्ज रखा है ना ये सेंटर वाले पॉइंट पे भी तो कुछ चार्ज होगा कि नहीं होगा और वो तुम्हारे लिए पॉइंट है अब तुम सुनना उसके पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा डी क्यू और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या लिखोगे के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज का भाई क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि डी क्यू इज अप्रोचेस टू जीरो क्योंकि बहुत छोटा चार्ज होगा क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि जो एक्स है वो भी जीरो को अप्रोच कर रहा है बेटा क्या तुम लोगों ने लिमिट पढ़ा है क्या तुम्हें ये पता है साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स साइन सॉरी जीरो अपॉन जीरो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या तुमने पढ़ा है बहुत बढ़िया तो यहां पर तुम सोच पा रहे होगे कि DQ की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है और एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है तो जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इन फॉर्म की भी एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है इसीलिए यहां पे जीरो नहीं होता सिग्मा बाई टू नॉट होता है सर वन बाई टू होगा क्या वन बाई टू होगा बेटा अच्छा हाँ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया थ्री बाई टू नहीं होगा ये क्या होगा वन बाई टू होगा बिल्कुल माफी चाहूंगा ये वन बाई टू होगा बोलो डन आगे बढ़े भाई रिंग का सबको याद हो गया बोलो 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 जल्दी बोलते जाओ फटाफट क्या सबको याद हो गए सारे फॉर्मूले याद होते जा रहे हैं एक सांस में क्विकली रिवाइज करना है भाई एक सांस में क्विकली रिवाइज करना है जल्दी बताओ फटाफट क्या हो चुका है ये भी याद हो गया ये भी याद हो गया अब आ जाते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ड्यूटो लॉन्ग कंडक्टिंग थिन शीट वैसे याद रखना आगे जाके देखेंगे कि अगर थिन शीट है तो उसकी वजह से सिग्मा बाय बायसले नॉट नहीं होता सिग्मा बाय एप्स नॉट होता है मतलब अगर ये शीट कंडक्टिंग है कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर से बना हुआ है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है ठीक है और अगर ये क्या है नॉन कंडक्टिंग है तो इस फॉर्मूले में टू आता है एक्चुअली कंडक्टर में पता है ना आपको क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी जीरो होती है तो जो भी तुम कंडक्टर को चार्ज देते हो ना वो दो सरफेस पे बढ़ जाता है तो एक कंडक्टिंग शीट ऐसे बिहेव करती है जैसे कि तुम्हारे पास दो इनफाइनाइट शीट हो इसलिए वहां पर जो फॉर्मूला है ना वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाता है क्यों क्योंकि वहां पे सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट डन आ जाओ भाई ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी से रिकॉल कर लो फटाफट शेल की वजह से वैसे तो ये लॉ से प्रूफ किए जाते हैं लेकिन अपन यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं सीधे रिजल्ट देख रहे हैं क्योंकि मेन्स में प्रूफ किसी काम के नहीं है आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्पेरिकल सेल अगर आपके पास कोई भी शेल है क्या है शेल सेल का मतलब हॉलो स्पेयर कहीं भी सेल लिखा हो हमेशा याद रखना क्या होगा हॉलो अगर तुम्हारे पास एक हॉलो है तो याद रखना कि हॉलो स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और होलो स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्कवा और ये वही होती है जो एक पॉइंट चार्ज की होती है ये वही होती है जो एक पॉइंट चार्ज की होती है बोलो मानते हो अगर कोई आपसे ये पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस बता दो क्या बता दो सरफेस तो याद रखना सरफेस का मतलब अब ये जंग है कि भाई ये पॉइंट अंदर या बाहर तो बाय डिफॉल्ट हम ये कन्वेंशन लेकर के चलते हैं कि जब भी सरफेस पे पूछा जाए तो हम हमेशा ये मानेंगे कि वो पॉइंट जस्ट आउटसाइड है मतलब यहां पर देखिए इक्वेलिटी का साइन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर यहां आ रहा है तो अगर फील्ड आपसे सरफेस पे पूछा जाए तो सरफेस पे क्या लिखोगे क्यू बटे आर स्क्वायर एक बात याद रखना मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड शेल की वजह से किसकी वजह से शेल की वजह से बाहर बिल्कुल वही फॉर्मूला होता है जो एक पॉइंट चार्ज का होता है अच्छा इसका फॉर्म वो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा ग्राफ बताना कैसा बनेगा आपको यहां पे देख करके ये बात समझ आ रही होगी कि सरफेस तक तो जीरो रहेगा सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसके बाद ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा डन अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तो अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर दिस इज इंपॉर्टेंट क्या बोला है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर बोला है अगर नॉन कंडक्टिंग है तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है रो आर बाई थ्री नॉट ये तो है रो के टर्म्स में बी केयरफुल ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब आपका रो कांस्टेंट होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू के टर्म्स में के क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर और बाहर तो याद रखना अगर मैं बाहर की बात कर रहा हूं तो बाहर यह फॉर्मूला होगा के क्यू बायर स्क्वायर तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जब हम सेंटर से सरफेस पर चल रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ेगी यस और नो सरफेस पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि क्या होगी के क्यू बटे आर स्क्वायर और इसके बाद ये वैल्यू घटेगी इस तरीके से ये ग्राफ याद हो गया बोलो डन 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 बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ें इसी के साथ यहाँ पे तो अभी ये डाइपोल वाइपोल आ गए भाई है ना डाइपोल वाइपोल तो बाद में पढ़ेंगे अब मुझे लगता है क्वेश्चन करेंगे सीधे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो काफ़ी देर होगी भाई अरे भाई ये क्या हुआ ही हो गया सब चलिए 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 डन सभी लोग रिफ्रेश फील कर रहे हैं अब इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए इसमें से एक फॉर्मूला जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास सिलेंडर है क्या है सिलेंडर तो सिलेंडर की वजह से भी आपको याद करने चाहिए अब वो सिलेंडर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है तो आप उसके फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा कुलम स्लॉ इज ऑनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज और आप ये जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसे हम लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सलेनॉट के की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं नाइन इंटू टेन की पावर नाइन एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है या हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता वो मीडियम से इनडिपेंडेंट रहता है जब हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो मीडियम का पोलराइजेशन होने की वजह से उस गिवन चार्ज पर मीडियम भी फोर्स लगाता है इसलिए नेट फोर्स चेंज हो जाता है तो किसी और मीडियम में जो नेट फोर्स है वो हो जाता है अगर वैक्यूम में एफ नॉट था तो उस नए मीडियम में एफ नॉट बाय के हो जाता है क्या ये बात याद रहेगी वहां पे के क्या होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू वन रहती है पहली चीज उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं जो कि हमें याद होने चाहिए जैसे एक रिंग का क्या होता है रिंग का अपॉन की पावर थ्री बाय टू और यह भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से मैक्सिमम कहां पे होता है आर बाय टू पे होता है जब आप सेंटर से अवे जाते हैं तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा फिर उसके बाद घटेगा आर बाय टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है क्लियर है और यहां पर ये भी कह सकता अप्रोच तो कर रही है इफ यू आर वेरी क्लोज टू देंटर तो वहां पर हम ये कह सकते हैं ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है ठीक <coughs> उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क आप जानते हैं डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टू एफ एल एनोट इंटू वन माइनस फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा सेंटर पे होती है और सेंटर सेंटर पे होती है सिग्मा नॉट तो फील्ड अगर किसी जनरल है तो ये वैल्यू होती है नो yes no. एक इनफाइनाइट शीट अगर आपके पास है तो कभी भी इनफाइनाइट शीट दी हो तो जरूर ये चेक करें कि वो कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय बाई नॉट अगर वो कंडक्टिंग शीट होगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका होगा सिग्मा बाय नॉट और सिग्मा आप जानते हैं दिस इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने यहाँ पे जितने भी फॉर्मुल अभी तक आप लोगों को बताए ये सारे के सारे यूनिफॉर्म बॉडी के लिए बताएं इसके अलावा आपने एक और बात देखी कि एक लाइन चार्ज क्या लाइन चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद होना चाहिए एक लाइन चार्ज की वजह से जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पे निकालना हो तो सबसे पहले उस पॉइंट पी से उस लाइन चार्ज परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और याद रखना कि उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे एक पेरवल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर का मतलब वायर के परपेंडिकुलर वायर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू को लिखते हैं के लेमडा बाय डी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे लिखते हैं साइन थीटा और साइन थीटा की लगाते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपर और लोअर लिमिट क्या आएंगी वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वायर के दो एंड पॉइंट पी से कहां पर है बोलो क्लियर है ये बात <coughs> एक वायर की वजह से फील्ड टू के लेमडा बाई आर होता है ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बताया जाता कि ये वायर की लेंथ क्या है तो बाय डिफॉल्ट हम उसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान लेते हैं उसके बाद हमने बात करी यहां पर <coughs> स्पेयर अगर स्पेयर हॉलो है क्या है हॉलो तो हॉलो स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और बाहर वही होती है जो एक पॉइंट चार्ज की होती है लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड स्पेयर की किसकी सॉलिड स्पेयर अगर वो सॉलिड स्पेयर नॉन कंडक्टिंग है बी केयरफुल ध्यान से सुनना अगर वो सॉलिड स्पेयर नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है

स्क्वायर वी केयरफुल याद रखिएगा, यहां पे जो आर लिख रहा हूं दिस आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आपने यहां पे ये बात भी ऑब्जर्व करी होगी कि जब तुम एक होलो स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन प्लॉट करते हो तो वहां डिसकंटिन्यूटी आती है सरफेस पर

ऐसा लग रहा होगा क्या चल रहा है ऐसा लग रहा होगा कौन सी चालीसा पढ़ रहे हैं सर <coughs> ये है भाई एक्यूरेसी मुझे इस तरीके से फॉर्मूले याद हैं तो मैं भी इस लेवल पे फॉर्मूले याद करने यस 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 हाउ इज द जोस कैसा लगा हाउ इज द जोस कैसा फील आ रहा है आप देखिए आप देखिए जो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग दस लेक्चर में पढ़ाते हैं वो मात्र मैंने दो मिनट में रिवाइज करा दिया मात्र दो मिनट में रिवाइज करा दिया यस 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 आनंद आ रहा है हाँ भाई आनंद की अनुभूति हो रही है फिजिक्स चालीसा पढ़ने के बाद कैसा लगा आर वाई फिजिक्स चालीसा मजा आया कि नहीं आया एक अलग अनुभव था या नहीं था आपको मैंने दो मिनट के अंदर वो चीजें बता दी जो शायद आप कभी सोच भी नहीं पाते होंगे बताओ मैंने आपको सेशन के शुरुआत में एक प्रॉमिस किया था कि आज इस सेशन को कम इंटरवल में मैं ऐसा बनाऊंगा कि जिसको थ्योरी पढ़ने उसका भी भला हो और जिसको न्यूमेरिकल करने उसका भी भला हो ऐसी चीजें बताऊंगा जो हो सकता है तुम भूल गए हो क्या वो सीख करके मजा आ रहा है भाई जोश एकदम हाई है या नहीं है इस बार 2024 जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ करके आना निन्यानवे परसेंटाइल के ऊपर लाना है ये अपना कमिटमेंट है चाहे उसके लिए एक दिन में पंद्रह घंटे भी काम करना पड़े तो करेंगे कोई समस्या की बात नहीं है भाई लगे रहो नॉन स्टॉप चलन दो भाई चले भाई चले 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 बढ़े भाई बढ़े आगे बढ़े भाई अब मुझे लगता है भाई कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ा दिया है तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो वो है जो 2020 से 2023 तक के जेई मींस के पी वाई क्यू है ठीक है भाई चलिए आ जाइए भाई यहां पर अपन ओपन करते हैं पीपीटी पीपीटी कहा है ये रही चलिए भाई चलिए क्या हुआ भाई कहाँ गया हाँ हाँ आ जाइए भाई स्वागत है भाई तैयार हो जाइए हमारे सामने क्वेश्चंस आने लग गए हैं भाई गोलाबारी शुरू हो चुकी है क्वेश्चंस की हर क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करेंगे और मैं भी सॉल्व करूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे पहले जल्दी सॉल्व करें <coughs> आइए आइए। भाई, क्वेश्चन को देखेगा जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए इफ आर टू चार्जेस आर सेपरेटेड डिस्टेंस डी एंड प्लेसड इन मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ओके नाइस वट विल बी द इक्लेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ये आप देख रहे हैं मीडियम बदल दिया है क्वेश्चन को रीड करिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मुझे ऐसा लग रहा है और आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सिचुएशन को समझना मेरे भाई हमसे यहां बोला गया कि क्यू वन और ये रहा क्यू टू ठीक Q1 और Q2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो है d। ये एक मीडियम में रखा हुआ है किसमें रखा हुआ है मीडियम में टू चार्जेस ठीक इफ अ टू चार्जेस आर सेपरेटेड अ डिस्टेंस D इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द इन एयर फॉर अ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे एक बात समझ आ रही है कि Q2 पर मीडियम के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर क्या सिर्फ यही आएगा नहीं इनटू टू वन बाई के ये भी आएगा अब कह रहे हैं कि इसको मीडियम से हवा में रख दिया भाई बोलो यस सर नो तो हवा में इस डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा तो कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस क्या होगा हमने कहा हमें नहीं पता मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जनाब चेंज होकर के डी हो चुका है क्या हो चुका है डी हो चुका है तो अब मैं यहां पर ये कहूंगा कि ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा वन अपॉन फोर पा एपले नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन डी और नो लेकिन भाई आपको ऐसा बोला गया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी क्या होगी बराबर होगी क्या इन दोनों को इक्वेट कर दें कर दें भाई इक्वेट या इन दोनों को डिवाइड मार दें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये वाला टर्म ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या बन रहा है डी डैस का स्क्वायर बराबर जल्दी देखना क्या के इंटू डी स्क्वायर आ रहा है तो भाई मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू डी डी डैश की वैल्यू ये आ रही है कोई ऑप्शन है क्या जो मैच कर रहा है बहुत बढ़िया मुखर्जी साहब का आंसर आ चुका है जयसवाल जी का भी आंसर आ गया है अलग ही अनुभव है बहुत बढ़िया देखिए सवाल बहुत आसान है मीडियम पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या ये सवाल सॉल्व हो चुका है बोलिए क्लियर है सभी को ओके नाइस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेहतरीन सवाल टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए द डिस्टेंस डी from the center of a line joining the two charges on the equatorial line perpendicular bisector at which force experienced by a test charge becomes a maximum देखिए ये सवाल वैसे तो बहुत अच्छा है लोगों को सॉल्व करने में चार से पांच मिनट लग जाते हैं लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं देखना ध्यान से आपसे क्या बोला जा रहा है सिचुएशन समझना ये एक पॉइंट चार्ज और बेटा ये रहा एक और पॉइंट चार्ज इनके बीच में ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना टू ए कितना दिया गया है टू ए आपसे क्या बोला गया है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मान लीजिए यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पर हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा तो ये बोला जा रहा है कि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स मैक्सिमम करना है भाई तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि फोर्स तभी तो मैक्सिमम होगा जब इन दोनों चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो क्योंकि आप ये बात जानते हो कि फोर्स अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो मानते हो तो मेरे भाई बंधुओं जल्दी बताना क्या तुम्हें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है तो अब क्या करें कितने लोगों को रिंग वाला फॉर्मूला याद है कितने लोगों को यह बात पता है कि रिंग के केस में ये एक्स क्या होना चाहिए R अगर आप करें, तो ये दो को, अगर मैं यहां पर इस तरीके से कर तो कि ये किस पर एक पर मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं आप लोग यहां पर जो आंसर आपको निकालना है ना वो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो रिंग का रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा ए अभी आपने ये

जिन लोगों ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी मुझसे पढ़ा हो तो उनको यह बात पता होगी कि मैं रिंग को इसी तरीके से ड्राइव करता हूं मतलब रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ही अप्रोच करता हूं बोलो या ना। क्लियर है भाई तो कभी भी इस तरीके का सवाल आए सुन लेना ध्यान से एक बढ़िया चीज बताता हूं यहां पे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि आपके पास कोई एनसाइडेड पॉलिगन है क्या है एन साइडेड पॉलीगन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर तुमने तीन चार्ज रखे क्यू क्यू और क्यू ठीक और अब हमने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया जो कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है. कितनी दूरी पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर और अब आपसे यह पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी भाई सिचुएशन समझ आ रही है भाई ये चार्जेस प्लेन में रखे गए हैं और ये जो पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा है ना ये पॉइंट पी इस प्लेन के बाहर है इस तरीके से मतलब इस एक्सेस पर है तो पता कैसे लिखोगे अगर मान लो ये साइड लेंथ ए है क्या है ए तो रेडियस क्या होगा सेंटर से ये वाला डिस्टेंस इसको तुम कहोगे रेडियस क्या कहोगे रेडियस और ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो एक ट्रायंगल में अगर ये डिस्टेंस निकाल लिया तो फॉर्मूलाएगा थ्री क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लगा सकते हो लेकिन शर्त यह ये फॉर्मूला लगाते समय एन साइडेड पॉलीगन पहली बात तो रेगुलर होना चाहिए क्या होना चाहिए रेगुलर दूसरी बात यहां पर जो हमने ये चार्जेस प्लेस किए हैं ये सारे के सारे चार्जेस क्या होने चाहिए आइडेंटिकल होने चाहिए तो रेडियस क्या होगा जो भी चार्जेस हैं उनके सेंटर ऑफ मास से वर्टेक्स का डिस्टेंस जैसे इस केस में अगर ये एक ट्राइंगल है तो ट्रगल के केस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये आर की वैल्यू क्या होगी क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो बोलो हाँ ये डिस्टेंस क्या होगा बताना ये एंगल है थर्टी डिग्री और बेटा ये वाला डिस्टेंस है ए बाई टू तो शायद यहां पे तुम्हें देख के समझ आ रहा होगा कि कॉस थर्टी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 30 लिखूंगा बेस डिवाइडेड बाय आर तो यहां से आर की वैल्यू हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय द तो यहां ए बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस्ट थर्टी कॉस्ट थर्टी की वैल्यू बताओ कितनी होती है रूट थ्री बाई टू क्या तुम्हारा ये वैल्यू ए बाई रूट थ्री है तो ये आर की वैल्यू यहां पुट कर दो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मजा आया कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया अगर आपसे ये पूछा जाता कि यार वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए तो क्या तुम्हें लगता कि तुम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते ना 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 जस्ट यूज द एनालॉजी ऑफ रिंग रिंग के केस में कहां कहाक्सिम था आर बायट टू तो यहां पर मैं कहूंगा कि एक्स की वो वैल्यू जहां पर ये मैक्सिमम होगा वो भी क्या होगी आर बाय टू और यहां पर आप कह सकते हैं आर की वैल्यू ए बाई रूट थ्री तो आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा ए बाय सिक्स क्या आ जाएगा ए बाय सिक्स बोलो समझ आया अभी इसी तरीके से मैं यहां पर आपके सामने एक और सिचुएशन देता हूं रुकिएगा एक मिनट साइड में लिख देता हूं जगह नहीं बची है सुनना ध्यान से क्या है मान लो मैं यहां पे कहूं कि यार ये एक स्क्वायर है क्या है स्क्वायर ठीक इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे तुमने चार्ज रखे हैं चार क्यू 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 समझ पा रहे हो और सुनना ध्यान से मैंने यहां पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे लिया एक पॉइंट और अगर आप इन चार्जेस को ज्वाइन करो तो शायद फील आ रही होगी ये एक टेट्राहेड्रन बन रहा है जो पॉइंट पी है वो इस प्लेन में नहीं है बेटा सिचुएशन समझ लेना सिचुएशन क्या है फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है मान लो ये रही एक स्क्वायर प्लेट चार चार्जेस रखे हैं पॉइंट पी जो है वो प्लेट के बाहर है क्लियर लेकिन पॉइंट पी एक्सिस पर है एक्सिस ऑफ द स्क्वायर अब आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट पी से इन चार वर्टेक्स को जॉइन करोगे क्या टेट्राहेड्रोन बनेगा अच्छा सवाल पूछा जाए तो पता है क्या पूछेंगे अगर इस पॉइंट पी पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया तो इस पे फोर्स बताओ मेरे भाई अगर पॉइंट पी पर इन चार चार चार्जेस का तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बता दोगे तो क्या फोर्स आ जाएगा जल्दी बताओ क्या फोर्स आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा और तुम सोचो कि क्या ये एक पॉलीगन है क्या स्क्वायर एक पॉलीगन है बिल्कुल है क्या चारों वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हाँ रखे हैं हैं क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं भाई बस फर्क क्या पड़ेगा जल्दी बताना फर्क ये पड़ेगा कि यहां पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो तुम लिखोगे के की वैल्यू कितनी फोर क्यू क्योंकि मैं इन चार चार्जेस का फील्ड लिखूंगा यहां पर और उसको इस क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा जिसका ई e है उसका क्यू नहीं होगा मैंने क्या बोला भाई अरे भाई इन चार चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा और यहां पे जो पॉइंट चार्ज रखा है उसके क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सुनना ध्यान से के क्यू, क्यू की वैल्यू फोर क्यू इंटू एक्स एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये रहा डिस्टेंस अपॉन डिवाइड में क्या आएगा आर स्क्वायर आर क्या था जल्दी बताना आर क्या था कौन बताएगा जल्दी बताओ सोच करके आर क्या था ये डिस्टेंस था बेटा ये डिस्टेंस सेंटर से वर्टेक्स का मान लो इसकी लेंथ अगर ए है तो ये डिस्टेंस समझ पा रहे होगे बेटा ए बाय रूट टू होगा क्या होगा रूट टू होगा और अगर बेटे ये A 2 हुआ, तो आर की वैल्यू क्या लिखूंगा आर की वैल्यू यहां पर लिखूंगा <coughs> ये क्या हुआ भाई एक मिनट यस आर की वैल्यू क्या लिखूंगा ए बाय टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर आएगी तीन बटे दो क्या तुम्हारे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या क्या तुम्हारे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या भाई या और नो क्या हुआ भाई सन्नाटा कैसे छा गया लग नीरा कुछ समझ आ पा रहा है क्या फील आ रही है भाई क्या सिचुएशन को समझ पा रहे हो ये टेट्रा वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ऐसा नहीं है बिल्कुल ही चूरन सवाल है लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये रहा ये ये अब तो फील गई होगी वाली <coughs> अच्छा एक बात बताना अगर ये पूछा जाता कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा क्या लिखते तो मैं यहां पर कहता सिंपल सी बात है एक्स की वैल्यू क्या लिखता आर लेकिन आर क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो कि कितना है ए बाय टू अब पहले से आर बाय रूट टू तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस ए बाय टू होता क्या ये डिस्टेंस ए बाय टू होता एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई हर किसी को हर चीज समझ में आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया नहीं समझ में आया तो बेटा आराम से बाद में वीडियो देख लेना ठीक है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर एक एन साइडेड पॉलीगन दिया हो तो उसमें भी आप रिंग वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो क्योंकि रिंग है क्या रिंग एक एन साइडेड पॉलीगन ही तो है लेकिन आप ये कहोगे वहां पे जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इनफाइनाइट हैं क्या बोल दिया मैंने बड़ी बात बोल दी रिंग क्या है एक एन साइडेड पॉलीगन है लेकिन अगर कोई पूछे नंबर ऑफ साइड्स क्या है तो आप कहोगे नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट है क्योंकि अगर आप पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते चले जाओगे तो जब एन की वैल्यू बहुत हाई होगी तो वो पॉलीगन तुम्हें कैसा दिखाई देगा एक रिंग जैसा ही दिखाई देगा तो यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि रिंग का फॉर्मूला एक एन साइडेड पॉलीगन की वजह से एक्सिस पर अगर तुमने फील्ड निकाला तो वहां भी वैलिड है मतलब रिंग वाला फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यू लेकिन क्यू क्या है टोटल चार्ज एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दी ऑन अपॉन आर स्किन बी केस में आर क्या था रेडियस का मतलब क्या है तो मैं कहूंगा चार्ज और सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो एक एन साइडेड पॉलिगन में इसी बात को मैं अप्लाई कर सकता हूं ना यार बोलो यार सर नो चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं भाई आ जाइए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन के थ्रू भी कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक क्वेश्चन किया लेकिन यहां से काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले बोलो मिले या नहीं मिले आ जाओ भाई अगले सवाल पे आ जाओ ये देखना ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछा जा रहा है और आपसे पूछा गया है अलोंग द एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग द एक्स डायरेक्शन मतलब पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट बताना है जो किस तरफ हो एक्स एक्सिस के अलोंग हो क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो यहां पर ये एंगल वेंगल दिए गए दिखाई दे रहे हैं सभी को ये बड़े बड़े एंगल आपको दिए गए देखो आराम से देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये 50 डिग्री नहीं होगा ये 150 डिग्री होगा ना ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है 150 होगा ना भाई 50 का क्या मतलब है ये एंगल 150 होगा तो यहाँ 150 से पता है आपको समय बात समझ आ गई होगी कि अगर ये पूरा एंगल 150 है ना तो ये एंगल 60 होगा और ये 60 है तो ये 30 होगा और बेटा इस क्वेश्चन में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर इन तीनों पॉइंट्स पे पॉइंट चार्जेस रखे गए दिखाई दे रहे और ये पॉइंट बी और सी पे जो चार्जेस है ना ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पर रखे गए पॉइंट बी का चार्ज और सी का चार्ज देखो इन दोनों पॉइंट्स के जो चार्जेस हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर हैं। अब यहां पे फील्ड निकालना है मुझे एक बात बताना इस 4q की वजह से जो फील्ड होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा टूवर्ड्स द चार्ज हाँ या ना टू क्यू देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टू क्यू की वजह से इधर होगा अवे बोलो yes or no. और इस माइनस टू क्यू की वजह से होगा टू तो मुद्दे की बात यह है कि इस टू क्यू और माइनस टू क्यू का कैंसिल आउट नहीं होगा एड हो जाएगा क्या हो जाएगा एड हो जाएगा और ये अगर ये वाला फील्ड मैं कहता हूं कि ई e है तो ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी कि टू क्यू की वजह से ई बाई टू होगा क्योंकि अगर फोर क्यू का ई e है तो टू क्यू का ई e बाई टू होगा और एक और टू क्यू आ गया तो मल्टीप्लाइड बाई टू तो मतलब ई e हो गया और अब बताना ये एक वेक्टर का सवाल हो गया एक ई e ये रहा और एक ई e ये रहा और इनके बीच का ये एंगल आ रहा है सिक्सटी डिग्री कितना आ रहा है बेटा सिक्सटी डिग्री आ रहा है क्या बात है यार काफी सारे लोगों का आंसर भी आ गया है कुछ लोग आंसर ए बता रहे हैं कुछ लोग आंसर फोर बता रहे हैं लेट्स चेक इट मुझे नहीं पता भाई क्या आएगा अभी चेक कर लेते हैं 60 डिग्री अगर एंगल है तो आपको समझ आ रहा होगा कि रिजल्टेंट जो है वो एक्सिस के आएगा और इसकी वैल्यू होगी रूट थ्री टाइम्स की वजह से फोर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक की वैल्यू वन अपॉन फोर पा एप एल ए नॉट इन टू क्यू क्यू कितना है बेटा फोर क्यू अपॉन आर स्क्वायर लेकिन आर की वैल्यू क्या लिखोगे डी स्क्वायर तो देखो फोर से फोर कैंसिल आउट हुआ आंसर है रूट थ्री ई तो मेरे हिसाब से आंसर होगा बेटा रूट थ्री क्यू डिवाइडेड बाय पाई पाएसले नॉट इन डी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा चेक करो डिनोमिनेटर में फोर पाई नहीं आ रहा है. मेरे हिसाब से फोर विल बी द करेक्ट आंसर ये देखो जे मींस दो हजार बीस में ये सवाल आया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल पॉइंट चार्जेस क्या टफ क्वेश्चन है क्या सोच के बताना क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है बहुत बढ़िया क्या मैं आगे अगले सवाल की तरफ मूव करूं नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये बेहतरीन सवाल है भाई यहाँ पर क्रॉस क्यों बने हुए ये क्वेश्चन मुझे पता है कि पहली बार में जब लोग पढ़ते हैं ना तो कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ये सोच करके छोड़ देते हैं कि यार ये लेंथी क्वेश्चन है क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहां पर पॉइंट चार्जेस हैं टोटल पॉइंट चार्जेस आठ हैं और इन आठ पॉइंट चार्जेस को एक क्यूब पर रखा गया है कहां रखा गया क्यूब के ऊपर और सुनना एक और बात ध्यान से उन आठ में से सात पॉजिटिव चार्ज है सात पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है यहां पर यह दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट यहां पे जो चार्ज प्लेस किया है ना वो नेगेटिव चार्ज है और अब क्या पूछ रहे हैं इस क्यूब का एक सेंटर होगा उस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है सोचिए आराम से जस्ट टेक योर टाइम क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन अगर थोड़ा सा मैंने कहा था ना कि वेक्टर एडिशन करते समय थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे ना तो ये क्वेश्चन एकदम फर्जी सवाल है आपको पता है कि ये आपके सामने क्यूब है भाई ये रहा क्यूब ठीक इस क्यूब के वर्टेक्सिस पे हमने चार्जेस रखे ये रखा ये रखा ये रखा ये रखा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा और ये रहा नेगेटिव चार्ज जरा ऑब्जर्व करना मेरे भाई पता है यहां पर एक चमत्कार बताऊं जो बॉडी डायगनल्स है ना और वो बॉडी डायगनल्स अगर सेम नेचर के हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब के सेंटर पर कैंसिल आउट हो जाएगा मैंने क्या बोला जैसे इस क्यूब को देखो और इस क्यूब को देखो क्या ये बॉडी डाइग्नल पर है तो सेंटर पर इन दोनों का फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा तो ये तो वैसे ही निपट गया और बताओ ऐसे कितने पेयर और हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे यहां पर और कितने पेयर हैं ऐसे दो और पेयर हैं टोटल तीन पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन एक पेयर कैंसिल आउट नहीं होगा और कौन सा कैंसिल आउट होगा इस वाले को देखो और बेटा इस वाले को देखो ये और ये क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या आपको यहां पे बहुत क्लियरली देख करके समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो है वो बॉडी डाइग्नल्स पर है ऐसे ही एक और पेयर देखो ध्यान से ये वाला और ये वाला क्या ये भी कैंसिल आउट हो गया भाई टोटल आठ चार्जेस में से छह चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर चुका है क्या कर चुका है कैंसिल आउट ही कर चुका है क्या आ रहा है आपका आंसर अब बच क्या अब एक चार्ज ये बचा है और एक चार्ज ये बचा है यहां पर ये देखो कि साइड लेंथ क्या दी गई है a तो जल्दी से बताना फटाफट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या a, a, a होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होगा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड इधर होगा सॉरी इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ओरिजिन और जो चार्ज नेगेटिव ऑरिजिन पर रखा हुआ है उसकी वजह से भी फील्ड उसकी तरफ ही होगा तो मतलब ये भी इधर ही होगा समझे या नहीं समझे और ये बताना ये डिस्टेंस कितना होगा ये बॉडी डायगनल का हाफ होगा एक बॉडी डायगनल की लेंथ होती है रूट थ्री ए तो यहां पर ये डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा रूट थ्री ए बाई टू लेकिन वी केयरफुल हमें यहां पे जो अपना आंसर देना है क्या देना है हमें अपना जो आंसर देना है वो वैक्टर फॉर्म में देना है किस फॉर्म में देना है वैक्टर फॉर्म में देना है इस चक्कर में यहां पे कई सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है जब आप वैक्टर फॉर्म में फील्ड लिखेंगे तो फॉर्मूला पता है क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर ये आएगा फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था और Q और माइनस ऑफ Q का दोनों का एड हो रहा है तो मैं कह सकता हूं नेट फील्ड जो होगा वो टू ई हो जाएगा तो नेट फील्ड अगर मुझे लिखना है तो पता है क्या लिखूंगा के क्यू लेकिन क्यू की वैल्यू आएगी टू क्यू अपॉन आर अच्छा जल्दी बताना सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है रूट थ्री ए बाई टू तो रूट थ्री ए बाई टू का कर देंगे क्या बेटा क्यूब क्या कर देंगे क्यूब समझ आया आगे आएगा आर वेक्टर क्या तुम ये वेक्टर लिख सकते हो इस वेक्टर को लिखना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए पता है इस पॉइंट के भी पता है तो जल्दी बताना ये वेक्टर आप क्या लिखोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो यहां पर ये वेक्टर बनेगा माइनस ए बाई टू आई कैप माइनस ए बाई टू जे कैप और माइनस के ए बाई टू के लिखा समझ आया ये कैसे लिखा बेटा समझ आया फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से टू 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 ये कैंसिल आउट हुआ और यहां पर अगर के को एक्सपेंड करोगे तो बनेगा वन अपॉन फोर पाएसाल नॉट तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है थ्री रूट थ्री और ये है एट और ये है फोर तो आंसर यहां जो बन रहा है वो बन रहा है माइनस के टू क्यू अपॉन थ्री रूट थ्री पाएस एल नॉट इंटू ए का क्यूब और आगे बन रहा है यहां पे ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप अगर आप चाहें तो यहां से एक कॉमन लेके ये काट सकते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर शुड बी द दू क्या टू ही आ रहा है क्या सभी का कुछ लोग कह रहे हैं थ्री कुछ लोग कह रहे हैं फोर सारे ऑप्शन देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा और वेक्टर फॉर्म में नीचे आर में जो आर होता है वो आर क्यूब होता है क्लियर? डन 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 चलिए आगे बढ़ू नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट यहां पर ये थोड़ा सा गलती है ए बी तो ये डी नहीं होगा ये पॉइंट सी होगा और ये पॉइंट डी होगा ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है ठीक यहां पे आपके पास चार्जेस हैं जो वर्टेक्स पर रखे गए हैं आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर डी ऑफ द स्क्वायर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक बात बताना इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर और आर क्या होगा ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस अगर ए है तो डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर और अगर मैं पूछूं सी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आप समझ पा रहे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या आएगा के क्यू बाई टू अपॉन ए स्क्वायर डन और अगर मैं पूछू बी की वजह से पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये कितना है रूट टू ए क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने तो बताओ अगर ये रूट टू ए डिस्टेंस है तो यहां पे क्या लिखोगे के क्यू अपॉन आर स्कवायर लेकिन आर स्क्वायर क्या लिखोगे टू रूट टू ए का होल स्क् क्या बोलो <coughs> सॉल्व करो आगे अगर तुम ध्यान से देखो ना तो हर पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट डी पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखो ये भी क्या लिखा है के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर ये भी क्या है के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर और ये भी क्या के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर क्या ये वैल्यू सेम आ रही है बोलो तो यहां पर यार अगर इस वैल्यू को ई e कह दू तो ये भी ई e है और ये भी ई e है क्या तुम आंसर थ्री ई दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर या वेक्टर वेक्टर एडिशन है तो अगर वेक्टर एडिशन करोगे तो ये ई e, ये भी ई e, और ये भी ई e. तो आपको समझ आ रहा होगा ई e और ई e, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा रूट टू ई जो कि इस डायरेक्शन में आएगा तो यहां पे जो नेट फील्ड है इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा ई प्लस रूट टू टाइम्स ऑफ ई दिस इज फील्ड अरे बोलो भाई क्लियर है क्या जल्दी बताओ फटाफट से तुम्हारा आंसर क्या रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है ई e की वैल्यू तुम पहले ही लिख चुके हो तो यहां पर लिखोगे वन प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई और बेटा ई e की वैल्यू क्या लिखोगे के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर टू को इधर लेकर के आते हैं तो ये बनेगा रूट टू मल्टीप्लाइड बाय के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये आ रहा आंसर चेक करना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वन बाय टू प्लस वन बाय रूट टू क्या सभी का आंसर ए आ रहा है अगर देखो कि कैलकुलेशन एक बात ऑब्जर्व करी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन कितने पूछे गए ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा था पिछला था और ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है लगातार एक ही पैटर्न के कितने सवाल आ चुके हैं आंसर वन आ रहा है बोलो तैयार हो अगले सवाल के लिए यस जेईई मेंस 2020 का ये सवाल मुझे बेहतरीन लगता है क्या दिया गया ध्यान से देखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है You have a two charged थिन in infinite plane sheets, ठीक Of uniform surface density. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्लेट ऐसे रखी गई है इस तरीके से और एक प्लेट को ऐसे रखा गया दो अलग अलग प्लेन और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इन दोनों प्लेन में ना यहाँ पर दो शीट रखी है इस क्वेश्चन की पंच लाइन ये है कि जो पॉजिटिव प्लेट है ना उसका चार्ज डेंसिटी नेगेटिव प्लेट से ज्यादा है ये दिया गया और बेस्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम सवाल क्या पूछा जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना हुआ है इनमें से कौन सा पैटर्न आपके हिसाब से सही होगा बताइए जस्ट टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक ऑप्शन तो देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो हो ही नहीं सकता वो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री क्योंकि अगर तुम ऑप्शन नंबर थ्री में देखो सॉरी थ्री नहीं आ, नहीं नहीं भाई मुझे एक्चुअली में यहां पर यह लग रहा था कि ये क्लोज लूप बना रहा है लेकिन यहां पर कोई भी फील्ड लाइन क्लोज लूप तो बना ही नहीं रही है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती लेकिन ऑप्शन बनाने वाले ने भी काफी दिमाग लगाया है अगर तुम इन एरोज को देखो तो एक भी ऐसा डायग्राम नहीं है जिसमें आपको लग रहा हो कि क्लोज कंप्लीट लूप बन रहा है तो अब बताओ क्या करोगे कुछ लोग आंसर थ्री बोल रहे हैं अच्छा एक बात बताना मुझे ये आपके पास दो शीट है एक ये और एक ऐसे ये है नेगेटिव और यह है पॉजिटिव मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया सपोज पॉइंट पी ये पॉइंट पी इस प्लेन में है और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर इस प्लेट की वजह से इधर होगा क्योंकि कितना होगा सिग्मा प्लस अपॉन टू एफ एल नॉट पॉजिटिव प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट होता है और नेगेटिव प्लेट की वजह से टू द प्लेट होता है अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या होगा तो आप कहेंगे कि इस नेगेटिव प्लेट की वजह से होगा सिग्मा माइनस बाय नॉट। और इन दोनों का अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट क्या होगा मेरे भाई क्या पूछूं? रिजल्टेंट क्या होगा तो आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों फील्ड के आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो कि रिजल्टेंट होगा बोलो मानते हो एक बात और बता दूं कि ये पॉइंट पी इस प्लेन में कहां पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब हर केस में ये जो थीटा की वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट आएगी अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर टेन थीटा बताइए तो मेरे भाई जल्दी बताइएगा टेन थीटा आप क्या लिखेंगे टेन थीटा लिखेंगे पर पेंडिकुलर अपॉन बेस पर पेंडिकुलर क्या होगा सिग्मा प्लस अपॉन बेस बेस क्या होगा सिग्मा माइनस बोलो मानते हो परपेंडिकुलर सिग्मा प्लस और अपॉन बेस माइनस तो यहां पे तुम्हें एक बात देख करके शायद समझ में आ रही होगी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है दूसरी बात ये थीटा हर जगह सेम आएगा मतलब यहां पर आप इस प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा जो चार्ज डेंसिटी का रेशियो है सिर्फ उसी पर डिपेंड कर रहा है तो मैं आपको बता दू यहां देखने के बाद दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए मुझे पता है कितने सारे भाई बंधु यहां जो आंसर दे रहे थे वो कह रहे थे सर टू और थ्री होगा क्या यहां पर आंसर टू और थ्री होगा नहीं होगा अब बचा वन और फोर अब वन और फोर आपको ऐसा लग रहा ना एक जैसे ऑप्शन है भाई इस क्वेश्चन को बनाने वाले ने सच में काफी दिमाग लगाया है मतलब जिसने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है ना भाई उसको सच में फिजिक्स की अच्छी नॉलेज है तुम देखो पैटर्न एक जैसा है या तो आंसर वन या फोर मुझे एक बात बताना कि यहां पर जब मैं टेन थीटा की बात कर रहा हूं तो टेन थीटा वन से ज्यादा आएगा इस इंफॉर्मेशन के बेस पर तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो किस में स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको इस वाले में या इस वाले में जल्दी सोच करके बताना अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो स्लोप इस वाले में ज्यादा है या इस वाले में ज्यादा है इस वाले में स्लोप ज्यादा है तो अगर इसमें स्लोप ज्यादा है तो यहां देख के भी समझ आ रहा होगा कि टेन थीटा की वैल्यू वन से ज्यादा आ रही है और ये ज्यादा इंक्लाइंड होगा तो इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है तो दिस विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट या हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर बेटा आंसर वन होगा ये आंसर पता है कब होता अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा आ रही होती है। ये है मतलब सही होने को ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन इन दोनों में बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ये है क्योंकि ये ज्यादा इंक्लाइंड है और ये देखो ये थोड़ा सा इस तरीके से लाइक like दिस बताओ यार, समझ आ गया डन आंसर विल बी आंसर विल बी द वन डन चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. ओहो अब यहां पे सवाल हमारे सामने फ्लक्स कैलकुलेशन के आ गए तो मुझे लगता है कि एक बार फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया जाए भाई क्या सभी लोग तैयार हैं फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए तो यहाँ पे अपन लोग एक बार फटाफट से जल्दी से फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं यहां कहीं फ्लक्स नहीं दिखाई दिया अच्छा हाँ दस के बाद ये पॉइंट यहाँ थे एक मिनट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा फ्लक्स यहां पर है यस आ जाइए देखो भाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो पता है क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्लियर है किसी भी सरफेस से और किसी भी सरफेस का जो एरिया वैक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से जीरो होगा जिस सरफेस पर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर जीरो होगा ये ए वेक्टर नहीं होगा यहां पर ये थोड़ा एक मिनट यस क्या लिख दिया भाई हाँ मैं क्या कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं लिख रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है भाई एक मिनट भाई कुछ हैंग कर गया हाँ फाइव जब लिख रहा हूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर इस तरीके से दिस विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन मतलब एक बात तय है कि जहां पर ई e और डी ए वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए वहां पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी ये बात बहुत छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा एक बात बताओ किसी भी प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है क्या वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फ्लक्स देखो फ्लक्स दो तरीके से निकाला जाता है एक तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स आप किसी सरफेस से निकाल सकते हैं जब हम फ्लक्स किसी सरफेस से कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं कि फाइव इक्व टू ई डॉट डी ए मुद्दा यह है कि अगर ई e, उस सरफेस पे जिस सरफेस से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं ये यूनिफॉर्म हुआ क्या हुआ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं मतलब वहां पे हर जगह इसकी वैल्यू क्या हुई सेम अगर ये वैल्यू हर जगह सेम हुई तो ये फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई डॉट एरिया आप अगर फ्लक्स की की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बात करें तो ये होगी और अगर आप क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करें कि फ्लक्स का मतलब क्या है तो मैं कहूंगा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया किसी भी गिवन एरिया से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी फ्लक्स भी उतना ज्यादा आएगा तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे हर जगह सेम है मतलब जहां जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को कट कर रहा है उस एरिया वेक्टर को कट कर रहा है वहां पर अगर ई e की वैल्यू हर जगह सेम है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर सेम नहीं है तो आपको वहां इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा और इंटीग्रेट करने के लिए वहां पर हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जैसे कि मैं यहां पर अगर आपसे ये कहूं कि यार ये प्लेट है इस तरीके से ठीक है ये रही एक प्लेट और यहां पर यह रहा इसका एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ये रहा और ये एंगल है थीटा और मैं अगर आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है क्या है भाई यूनिफॉर्म है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो आप डायरेक्ट इस केस में इस फॉर्मूले को भाई किस तरीके से लिखो जल्दी बताओ आप लिखोगे फाइव बराबर ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर और ई डॉट ए को जब ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा ई ए थीटा बोलो क्लियर है ये क्या है ये है फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस बी केयरफुल ध्यान से सुनना क्या है ये फ्लक्स है किसी भी एक सरफेस से लेकिन कई बार हमसे जब फ्लक्स पूछा जाता है तो वो फ्लक्स पूछा जाता है क्लोज सरफेस से कहां से पूछा जाता है क्लोज सरफेस से जब फ्लक्स आपसे क्लोज सरफेस से पूछा जाए तो आप एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या है कि वो सरफेस हर जगह से क्लोज है कहीं से भी ओपन नहीं है तो ये है फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस और इसे कैलकुलेट e तो इस क्या करना बना और मैं कि इस बताओ, क्या होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर एक सरफेस लेंगे सरफेस पे आप एरिया वेक्टर डिसाइड करेंगे याद रखना अब यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होते हैं एक अंदर ऐसे भी हो सकता है और एक ऐसे भी हो सकता है लेकिन ये एक हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि फॉर अ क्लोज सरफेस वो एरिया वेक्टर जो बाहर की तरफ है ये वाला दिखाई दे रहा है बोलो बोलो हाँ या ना। <coughs> बोलो दिखाई दे रहा है? इसे हम क्या मानते हैं एरिया वेक्टर मानते कन्वेंशन है उसे हम एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब यह बात तय हो चुकी है कि अगर यहां पर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा और फ्लक्स अगर बाहर आ रहा है आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा Positive होगा पॉजिटिव तो यहां पे तुम ऑब्जर्व करना खुद कि अगर सरफेस के हर पॉइंट पर ई डॉट डी ए डॉट डी कैलकुलेट कर लें क्या हमें फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस पता चल जाएगा भाई इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ आपको यह बता दूं कि किसी भी से जो होता है, वो बराबर होता है कितना हो रखा है तो आपको क्या करना है उससे फ्लक्स निकालना है जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करें और मान लीजिए वहां पे बहुत सारी सरफेस है तो एक बार में एक सरफेस को देखेगा क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करना पड़ेगा बोलिए क्लियर है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां तक क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है ये जो भी लोग यहाँ पे स्पैम करने चले आते हैं और यहाँ पे फालतू की बकवास जो इस समय चैट में कर रहे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सारे डिस्ट्रेक्शन्स हैं और इन डिस्ट्रेक्शन को ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीका बताओ क्या करो जो भी नाम है ना उस पर लॉन्ग प्रेस करो जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट और ब्लॉक आप तुरंत उसको ब्लॉक कर दो लॉक करने के बाद क्या होगा कि वो भाई साहब यहाँ कितना भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ले उसकी चैट आपको दिखाई नहीं देगी तो इससे क्या होगा भाई आप लोग ऐसे स्पैमर से बच पाएंगे ये सारे स्पैमर पेड होते हैं पेड इनको पैसा मिलता है इनको हर एक कमेंट करने का एक पैसा मिलता है तभी तो एक ही कमेंट को सौ बार करते हैं क्योंकि जब सौ बार करेंगे तो सौ पैसे मतलब एक रुपया बन जाएगा गरीब भाई लोग हैं पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पा रहे तो क्या करते हैं कि इधर उधर आकर के ये लोग स्पैमिंग मारना शुरू कर देते हैं तो भाई अगर तुम सोचो कि दो सौ अगर कमेंट कर दिए तो भाई दो रुपये कमा लेगा और दो रुपए कमा लिए तो सोचो भाई कितना पैसे वाला बन जाएगा है ना भाई चलो आगे बढ़े ध्यान मत दो ऐसे लोगों पर तो यह है फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस क्या याद हो गया देखो तो यहां पर क्या है कि जब सवाल करना शुरू करोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि एक्चुअली में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि फॉर्मूले यही है लेकिन फ्लक्स पे आपको सवाल बहुत सारे मिलते हैं ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब यहां पे आ जाओ वापस लौट करके यहां पे देखना क्वेश्चन रीड करो इस क्वेश्चन को यहां पे आपसे क्या पूछा गया द चार्ज इन साइड द क्यूब क्या पूछ रहे हैं चार्ज इन साइड द क्यूब भाई अगर चार्ज पूछा है ना तो क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई यहां पर क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ क्या मुझे यहां पर फ्लक्स निकालना पड़ेगा अब सुनना लोग यहां क्वेश्चन को पढ़ने से पहले छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है 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 तो बहुत टफ क्वेश्चन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। मेरे भाई एक बात बताना क्या जिनका एरिया वेक्टर एक्सिस के अलोंग होगा यहां पर यह जो रीजन दे रहे न, सिर्फ रीजन से जा सकता है क्योंकि यहां पर इस वाले एरिया से ये वाले एरिया से फ्रंट वाले एरिया से इनका एरिया वेक्टर इधर होगा और e.a करोगे तो जिसका एरिया वेक्टर i कैप के अलोंग है तो i कैप और j कैप का डॉट क्या होगा 0 और जिसका एरिया वेक्टर z एक्सिस के अलोंग है तो k कैप और j कैप था का डॉट भी क्या होगा 0 तो एक्चुअली में फ्लक्स इसका सिर्फ वहीं से जाएगा जिसका एरिया वेक्टर किधर होगा jk अलोंग होगा मतलब यहां से और यहां से अब देखना एक बार में इस नीचे वाली सरफेस को देखो इस नीचे वाली सरफेस पर तुरंत बताओ वाई की वैल्यू क्या है जीरो है या नहीं है? क्योंकि भाई ये जो सरफेस है वो प्लेन में है और एक्स जेड प्लेन में वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसकी वैल्यू वन फिफ्टी इंटू वाई स्क्वायर मतलब ये जीरो आएगी ये वाला पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट फाइव मीटर मतलब हाफ मीटर ठीक तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखोगे देखो यहां पर हर जगह वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप वन फिफ्टी इंटू वन बाई टू का होल स्क्वायर यही लिखोगे ना भाई हाँ या ना तो बताना यहां पर ये यह वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 150 डिवाइडेड बाय फोर

दिस इज फाइव और ये फाइव किसके बराबर होगा चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एपसेल एन नॉट तो यहां पर क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी आ रही है 150 फिफ्टी बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाय एप से नॉट क्या यही आ रहा है क्या क्या बेटा यही आ रहा है क्या जल्दी से फटाफट बताइए भाई तुम इन स्पैमर्स पे ध्यान मत दो तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो कैलकुलेटर से यूज करो और कैलकुलेट करो 150 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय एप्साले नॉट की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है 8.865 पॉइंट एट सिक्स की पावर माइनस ट्वेल्व तो एट तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 8.3 आंसर शुड बी टू क्या आप सभी का आंसर टू आ रहा है क्या यस यस नाइस जल्दी बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया आज के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दिया हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है एक बार में एक कंपोनेंट पे फोकस करना और उसका फ्लक्स निकालना और इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवाल आपको आगे भी देखने को मिलेंगे क्योंकि जेई मीनस इस प्रोफाइल के सवाल लगातार पूछता रहा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ये देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि यार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या तुम्हें यहाँ इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी क्योंकि जो सर्फेस है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्जेट प्लेन के पैर परवल थी और अगर xz प्लेन के पैरल है तो वहां पे हर जगह वाई कोऑर्डिनेट क्या था सेम था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है भाई नहीं पता तो बता देता हूं 8.853 10 की पावर माइनस -12 होती है ये पुट करो आंसर टू आ जाएगा आ जाओ इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को चलो अगले सवाल की तरफ आओ अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन अब ये एक क्यूबॉइड है थोड़ा ध्यान से देखना क्यूबॉइड है और यहां पर एक और गलती हो जाती है बाहर की तरफ ये जो एक्सेस है ना ये एक्स एक्सेस है तो यहां पर ये ये दो मीटर है ये जो हाइट आप देख पा रहे हैं ये ये आपकी तीन मीटर है और ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये ये आपका एक मीटर है अब आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया गया ये दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जरा देखिए क्या ये सवाल भी उसी प्रोफाइल का है लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये तो थोड़ा सा लेंदी होगा यहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा लेकिन दिमाग से सोचो एक बार में एक कंपोनेंट को देखो अच्छा सबसे पहले यह बताओ जो सिक्स के कैप है इस कंपोनेंट का फ्लक्स क्या होगा सिक्स के कैप एक कॉन्स्टेंट है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना, तो एक बात याद रखना कि क्लोज्ड सरफेस से उसका नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है क्यों क्योंकि देखो 6 के कैप का फ्लक्स कहां-कहां से जाएगा एक तो इससे जाएगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ही तो के कैप के अलोंग होगा ना भाई और एक नीचे वाले से जाएगा लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि यहां पे फील्ड यूनिफॉर्म है तो जब फील्ड यहां से एंटर करेगा ये वाला तो यहां पे फ्लक्स नेगेटिव और यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव तो एक यूनिफॉर्म का किसका यूनिफॉर्म का तो वैसे भी क्या हो जाएगा जीरो अब आ जाओ इस पे जब टू एक्स फोकस कर रहे हो ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम उस सरफेस को देखो जिसका एरिया वेक्टर आई कैप के अलोंग है तो आई कैप के अलोंग आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्रंट वाला होगा ये बोलो यू मतलब वो प्लेन जो यहां पे वाई जेड प्लेन के पैरेलल है उसी का एरिया वेक्टर क्या यहां पर बेटा आई कैप के आएगा तो एक बात बताना मुझे देख करके आराम से सोच करके कि जब मैं पे सरफेस तो से जाएगा जो आगे है और एक पीछे वाली लेकिन पीछे वाली सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू जीरो है एक्स की वैल्यू जीरो है पीछे वाली सरफेस के लिए तो अगर एक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के लिए जो वाई प्लेन में है जीरो हो गया और यहां पे एक्स का वैल्यू वन है तो जहां एक्स का वैल्यू वन है तो जरा ऑब्जर्व करना क्या हर जगह एक्स की वैल्यू यहां पे वन होगी इस वाले पर तो इस वाली सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना उसका फ्लक्स क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दो और एरिया बताओ फटाफट से कितना होगा यहां पर यह है दो और यह है तीन तो मेरे हिसाब से इसका एरिया जब लिखोगे तो टू इंटू थ्री सिक्स तो ये आ जाएगा बारह ये मैंने फ्लक्स लिखा है क्या लिखा है फ्लक्स ये फ्लक्स किसका लिखा है इस वाले कंपोनेंट का लिखा है अभी आंसर नहीं आया अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया अब आ जाओ यहां पर इस वाले को देखो फोर वाई इसका फ्लक्स किससे जाएगा इसका फ्लक्स जाएगा इन कंपोनेंट से इनसे इससे जाएगा और इधर से जाएगा लेकिन ऑब्जर्व करना कि जब तुम यहां पे बात करोगे इस वाली सरफेस की जो इधर होगी ना फ्लैट सरफेस ये वाली इस फ्लैट सरफेस के लिए जल्दी बताना y की वैल्यू क्या होगी जीरो y तो की वैल्यू जीरो तो पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो तो बची कौन सी सरफेस बेटा बची तुम्हारे पास ये वाली सरफेस और इस वाली सरफेस पर फील्ड क्या होगा यहां पे हर जगह वाई की वैल्यू कितनी है देखना ध्यान से वाई की वैल्यू टू है तो यहां पे जब एंटर कर रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर देखोगे तो माइनस एट होगी क्योंकि वैल्यू है फोर वाई और वाई है टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो यहां पर इनकमिंग फ्लक्स है इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो ये अगर यागेटिव है अगर मैं फाइव टू लिखता हूं इस वाली सरफेस से तो वो क्या लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एट इंटू इस वाली सरफेस का एरिया इसका एरिया क्या लिखोगे आराम से देखना बेटा वन और ये थ्री तो वन इंटू थ्री ये हो जाएगा माइनस के चौबीस तो नेट फ्लक्स की अगर बात करोगे ना तो नेट फ्लक्स यहां पर आपके सामने आएगा माइनस ट्वेल्व जो कि होगा कितना Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बोलो डन बोलो डन 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 तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आंसर देना है मेरे हिसाब से क्यू एनक्लोज की वैल्यू बारह आ जाएगी क्या किसी को समझ में आया क्या बारह आएगा आंसर आंसर विल बी द डन वैसे तो माइनस ट्वेल्व आएगा लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इस क्यूब के अंदर चार्ज बताओ ये सवाल आसान है या टफ है इज अजी और टफ क्वेश्चन जल्दी से सोच करके बताएगा क्या यह क्वेश्चन आसान था या टफ था आइए आगे, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सर प्लीज रिपीट द सोल्यूशन बेटा रिपीट नहीं कर पाऊंगा आप पीछे जाकर के रिकॉर्डिंग देख लीजिए आराम से देखिए मैं एक बार में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक कंपोनेंट पर फोकस कर रहा हूं अगर मैं आई कैप वाला कंपोनेंट देख रहा हूं ना तो सिर्फ मैं उस सरफेस को देखूंगा जिसका एरिया वेक्टर आई कैप के होगा अलॉन् तो उसी से फ्लक्स जाएगा ठीक ये देखना ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपसे यहां पे पता है क्या पूछा है एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अगर फॉर्मूले पढ़े हो तो एक्स डिस्टेंस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो पता है क्या होता है सॉलिड सिलेंडर के अंदर रो एक्स बाय जैसे स्पेयर में होता था डिवाइड में थ्री

जिसको फॉर्मूला याद है उसको आंसर आ जाएगा चलो भाई आ जाओ अगला सवाल ये बेहतरीन सवाल है भाई जस्ट टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जो आपको स्पेयर दिया गया है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पेयर इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं नॉट इवन इन मेंस एडवांस में भी पूछे गए हैं जहां पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म हो क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहां पे तुम्हें गॉस लॉ की हेल्प लेकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं कि सोचिए ये कैसे पता नॉन यूनिफॉर्म है तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है ये चार्ज डेंसिटी आपको देखकर के शायद समझ में आ रहा होगा ये डिस्टेंस आर के साथ वैरी कर रही है किसके साथ वैरी कर रही है बेटा एक मिनट क्या हुआ कहाँ तो चला गया भाई पेज यस हाँ. Yes. ये देखिए आर के साथ वेरी कर रहे हैं सवाल क्या पूछा गया सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस क्वेश्चन से हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे बताइए कैसे करें बताओ भाई जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट जल्दी बताइए फटाफट आंसर निकालिए मुखर्जी साहब पूछ रहे हैं कि सर फ्लक्स वाले में आपने जेड वाले का क्यों कंसिडर नहीं किया मुखर्जी साहब जेड कंपोनेंट को देखो तो वो सिक्स के कैप था क्या था सिक्स के कैप मतलब जेड कंपोनेंट कांस्टेंट था और आपको पता है कि अगर वो कांस्टेंट है ना तो दो सरफेस को क्रॉस करेगा एक नीचे वाली एक ऊपर वाली और जिन दो सरफेस को क्रॉस करेगा वहां पर इनकमिंग फ्लक्स और आउट फ्लक्स सेम हो जाएगा इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है और आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो दोनों का सम क्या आ जाएगा जीरो इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया था क्या आंसर आ रहा है ऋतिक भाई का तीन आ रहा है भाई कुछ लोग आंसर बॉम्बे बता रहे हैं प्रणव का आंसर थ्री आ रहा है सभी लोग टाइप करो यार क्या हुआ थक कैसे गए आंसर टाइप करो भाई क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर जल्दी जल्दी फटाफट बताइए टू थ्री टू थ्री संघर्ष चल रहा है भाई टू थ्री में आराम से समय लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक अपन लोग इसके बाद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है भाई काफी सारे लोग अभी आंसर थ्री बता रहे हैं ओके नाइस ग्रेट चलिए भाई सॉल्यूशन देखें मैंने आपको काफी समय दिया ये समय क्यों दिया पता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस बार 2024 में भी देखने को मिल सकता है यहां पर अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं सुनना आर डिस्टेंस दूर जाकर के मैं यहां पर क्या करूंगा एक एलिमेंट लूंगा एक सॉलिड स्पेयर में एलिमेंट जो लूंगा वो एलिमेंट पता है क्या होना चाहिए एक हॉलो स्पेयर होना चाहिए और सपोज इस हॉलो स्पेयर की ये जो थिकनेस है ना बेटा ये डी आर है थिकनेस क्या है डी आर क्लियर अगर मैं आपसे यहां पर कहूं सुनना ध्यान से कि मुझे गॉस लॉ लगाना है क्या लगाना है गॉस लॉ तो जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो यहां पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर करी है ना ये गॉसियन सरफेस ये इसके अंदर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज होगा वो निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां मैं इक्वेशन लगाऊंगा इंटीग्रल ऑफ ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर बराबर क्यू एनक्लोज बाय इन नॉट अब इस पॉइंट पर हर जगह फील्ड की वैल्यू तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है आर है नाउ द पॉइंट इज दिस कि जब मैं यहां पर ई e लिखूंगा तो ऐसे लिखा जा सकता है ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो जीरो होगा तो ई इंटू डी सरफेस का बराबर क्या होगा वन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एनक्लोज्ड बेटा क्यू एनक्लोज सुन लेना कैसे लिखते हैं ये क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना है रो नॉट इन टू तीन बटे चार माइनस आर बटे कैपिटल आर ये लिखा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम क्या लिखोगे फोर पाई आर स्क्वायर डी आर और इस पूरे एक्सप्रेशन को करूंगा मैं इंटीग्रेट जीरो से आर तक ये है तरीका कैलकुलेट करने का डीए की वैल्यू यहां पे जब आप लिखेंगे

और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए यू विल गेट द आंसर मुझे है इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपका थ्री आ रहा है कितना आ रहा है थ्री आ रहा है ये क्वेश्चन आपको आगे खुद से सॉल्व करना है ये आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं चलो आ जाओ टू द्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब यहां पर यह जो क्वेश्चन आपके सामने आया ना यह क्वेश्चन आपके सामने है पोटेंशियल के किसके पोटेंशियल के मैं पहले चेक करता हूं क्वेश्चन के थ्रू की कि आपको कितना समझ में आया कंसिडर चार्ज ऑफ पॉजिटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आपके पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है मेरे भाई जल्दी से सोच करके एक बात बताना मुझे कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है क्या यह आपको पता है और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अगर आप कभी पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या वो पोटेंशियल जीरो हो सकता है नहीं हो सकता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का जीरो हो सकता है

पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है बोथ द नेट पोटेंशियल एंड द नेट फील्ड कैन बी जीरो एट अ पॉइंट ये भी इनकरेक्ट है 3 भी इनकरेक्ट 2 भी इनकरेक्ट बोथ द नेट पोटेंशियल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी जीरो एट अ पॉइंट हां कांट बी जीरो एट अ पॉइंट नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो सकता है तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है बताइए क्या आंसर आ रहा है क्या आपका आंसर वन आ रहा है क्या आप सभी का आंसर वन आ रहा है भाई बोलो यस और नो बहुत बढ़िया आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे ऑब्जर्व करेगा ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहां पर ये भी क्वेश्चन पोटेंशियल का है मुझे उम्मीद है कि आपको पोटेंशियल के कुछ सेलेक्टिव फॉर्मूले तो याद ही होंगे ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेटेलिक स्पेयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेसेस का रेशियो दिया गया है तो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल का यहां पर रेशियो क्या होगा मेटेलिक स्पेयर एक बात बताना एक स्पेयर है एस और एक स्पेयर है बेटा एस क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने इसका रेडियस है आर वन और इसका रेडियस क्या है आर टू जो आर वन रेडियस का स्पेयर है उसकी वजह से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ आप ये लिखोगे ना के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन का स्क्वायर और सरफेस टू की वजह से क्या लिखोगे के क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर लेकिन क्वेश्चन को अगर तुम देखें क्वेश्चन पढ़ा तुम लोगों ने आया ना भाई क्वेश्चन पढ़ा तो यहां पर ई वन अपॉन ई टू का रेशियो दिया गया ई वन अपॉन ई टू का जब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा क्यू वन अपॉन क्यू टू मल्टीप्लाइड बाय आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर ये आएगा लेकिन ई वन बाय ई टू का वैल्यू कितना दिया है आर वन बाय आर टू कितना दिया बेटा आर वन बाय आर टू तो यहां से तुम्हारे पास चार्जेस का रेशियो आ जाएगा यहां से अगर मैं आप पूछूं आपसे कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या आ रहा है तो आप कहेंगे R1 वन अपॉन आर का क्यूब आ रहा है बोलो आया कि नहीं आया डन क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल अच्छा एक स्पेयर का पोटेंशियल कितना होता है वही होता है जो एक पॉइंट चार्ज का होता है और पॉइंट चार्ज का कितना होता है बताओ के क्यूबाई आर पता है ना भाई तो यहां पे इस स्पेयर की वजह से पोटेंशियल क्या लिखूंगा के क्यू by R1 आर वन क्यू वन और दूसरे वाले की वजह से लिखूंगा के क्यू टू बटे आर टू ये है पोटेंशियल इसका रेशियो निकालना है क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो वी वन अपॉन वी टू तो बताओ ये रेशियो क्या लिखोगे क्यू वन अपॉन क्यू टू इन टू आर टू अपॉन आर वन डन क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो क्या आ रहा है चेक करो क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो आया आर वन अपॉन आर टू का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर टू अपॉन आर वन देखिए एक आर वन ये कैंसिल आउट एक आर टू ये कैंसिल आउट ये वैल्यू आएगी आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर क्या कोई ऑप्शन है जिसमें आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर आ रहा हो यस फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फोर विल बी द करेक्ट आंसर क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है

ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं यह सवाल जो है इसमें थोड़ा सा कंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट यूज है वो कितना है एक बात बताना अगर दो कंडक्टिंग स्पेयर को एक वायर से कनेक्ट कर दोगे तो उन दोनों स्पेयर पे क्या सेम होगा फाइनली स्टडी स्टेट में चार्ज या फिर पोटेंशियल अगर मैं दो स्पेयर देता हूं और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो फाइनली स्टैटिक कंडीशन में क्या सेम होता है बेटा चार्ज सेम होता है चार्ज अच्छा चार्ज नहीं पोटेंशियल सेम होता है पोटेंशियल मैं तो चेक कर रहा था कि तुम क्या बोलने वाले हो अभी आऊंगा फॉर्मूलों पे आऊंगा पहले ये आसान सवाल जो है उनको अटेम्प्ट कर लीजिए उसके बाद उन फॉर्मूलों पे भी आऊंगा जिनकी चर्चा हमें करनी है यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फीड एक्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी थोड़ी देर पहले आपने अप्रोच किया था क्वेश्चन समझना बेटा क्या है एक स्पेयर ए इसका रेडियस कितना दिया है पांच एम एम एक और स्पेयर है बी इसका रेडियस कितना दिया है दस एम एम और इन दोनों वायर को एक कंडक्ट सॉरी इन दोनों स्पेयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है ऐसा लिखा हुआ है। If spheres are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of a magnitude of electric field। मेरे भाई मान लेते हैं कि finally इसपे जो चार्ज है वो है Q1 और इसपे जो चार्ज है वो है Q2। अगर मैं ये कहूं कि इसका पोटेंशियल है V1 और मैं कहूं कि इसका पोटेंशियल है V2, क्या तुम यहां पर ये कह पाओगे कि V1 और V2 बराबर है क्या तुम ये कह पाओगे कि वी वन और वी टू बराबर है जल्दी बताओ हाँ या ना में जवाब देना यस yes, कह पाएंगे तो वी वन बराबर वी टू वी वन की वैल्यू क्या लिखूंगा के क्यू वन अपॉन आर वन और ये बराबर क्या लिखूंगा के क्यू टू अपॉन आर टू यहां से देखने पर क्या समझ आ रहा है कि क्यू वन और क्यू टू का जो रेशियो है क्या वो रेडियस के रेशियो के बराबर है हो चुका है सवाल क्योंकि मुझे यहां पर क्या निकालना है ई वन बाय ई टू का रेशियो निकालना है यही करना है ना रेशियो ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले और दूसरे स्पेयर ई वन की वैल्यू क्या लिखूंगा के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर ई टू की वैल्यू क्या लिखूंगा के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर इन दोनों को कर दिया बेटा डिवाइड ई वन बाय ई टू डिवाइड किया के से के कैंसिल आउट ये बनेगा क्यू वन अपॉन बाय आर टू का होल स्क्वायर लेकिन Q1 upon Q2 का वैल्यू चेक करो कितना है R1 upon R2 डायरेक्ट रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है यार ऑब्जर्व करना क्या मैं यहां पे R1 upon R2 into R2 upon R1 का होल स्क्वायर कर दूँ तो देखना R1 से R1 कैंसिल आउट R2 से R2 कैंसिल आउट तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ रही है E1 upon E2 बराबर R2 upon R1 R2 की वैल्यू है 10 R1 क आंसर आता है टू रेस टू वन क्या आपका आंसर टू आ रहा है क्या भाई तुम लोग सॉल्व कर रहे हो अरे सॉल्व कर रहे हो ना भाई क्या हुआ बढ़िया बढ़ू आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा टू टू विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मैं आपको बता दूं अभी आपको लग रहा होगा ना कि सर आपने थ्योरी नहीं बताई क्यों नहीं बताई रीजन है क्योंकि बिना थ्योरी के सवाल बन जाएंगे गिने चुने चार हैं उससे ही पोटेंशियल के सवाल बन जाते हैं पोटेंशियल का इतना ज्यादा फोबिया बना रखा यार पोटेंशियल तो समझ ही नहीं आया अरे भैया समझने की जरूरत नहीं है सीधे क्वेश्चन को अटैम्प करो आप देख रहे हो स्पेयर का पोटेंशियल अगर तुम्हें याद है क्या तुम यहां पर क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यह देखना भाई ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं ट्वेंटी सेवन सिमिलर ड्रॉप ऑफ मरकरी आर एट अ टेन वोल्ट ईच हर एक इंडिविजुअल मर्करी ड्रॉप का पोटेंशियल दस वोल्ट है और ऐसी कितनी है सत्ताईस बहुत बढ़िया ऑल दीज स्पेरिकल ड्रॉप्स कंबाइंड अ सिंगल बिग ड्रॉप तो आपसे पूछा है कि बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा क्वेश्चन का अप्रोच समझ आया छोटी छोटी ड्रॉप्स मान लेते हैं हर ड्रॉप का रेडियस आर है और हर ड्रॉप पे जो चार्ज है वो क्यू है ऐसी कितनी ड्रॉप है सत्ताईस और हर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है टेन वोल्ट जब भी आपको ये बोला जाना है कि इस ड्रॉप का या इस स्पेयर का पोटेंशियल ये है तो अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही तो आता होगा किस पॉइंट का कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट याद रखना कि इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल सरफेस का है कहां का है बेटा सरफेस का है तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि जो दस है वो बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर ऐसी सारी ड्रॉप को मिलाकर के बना दी एक बड़ी ड्रॉप जिसका रेडियस है capital r. इस बड़ी पर टोटल चार्ज कितना होगा अगर एक छोटी ड्रॉप पर क्यू है तो सत्ताईस ऐसी ड्रॉप पर कितना चार्ज आएगा तो आप समझ पा रहे होंगे ट्वेंटी सेवन क्यू और इसका अगर पोटेंशियल लिखूंगा पोटेंशियल तो क्या लिखूंगा के Into 27Q divided by r टू ट्वेंटी सेवन क्यू डिड बाई आर लेकिन तो स्मॉल आर में कैसे रिलेशन फाइंड आउट करोगे जल्दी बताओ हाउ विशन बिटवीन द कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हुआ भाई जल्दी से देख करके बताना कि इसका वॉल्यूम कितना होगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यू ऐसे कितने ड्रॉप हैं सत्ताइस इनको मिला के बनाया एक नया ड्रॉप क्या मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा और अगर वॉल्यूम कंजर्व है तो आप ऑब्जर्व करना यहां पर ये यह देख करके समझ आ रहा होगा कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या तुम्हारी बेटा थ्री आर आ रही है क्या तुम्हारी थ्री आर आ रही है तो अगर इस थ्री आर की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दूं क्या पोटेंशियल नहीं आ गया तो ऑब्जर्व करो ये वैल्यू क्या रखोगे V बराबर के क्यू अपॉन थ्री आर मल्टीप्लाइड बाय 27 और के क्यू बाय स्मॉल आर की वैल्यू है दस यहां पे कैंसिल आउट करोगे तो आएगा नाइन क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर क्या आप लोगों का आंसर नाइनटी आ रहा है क्या क्यू बाय आर की वैल्यू दस इंटू नो नाइनटी वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर हाउ मेनी ऑफ यू जल्दी से फटाफट से चैट में वन टाइप करिए अगर आप सभी का आंसर नब्बे नब्बे करेक्ट आंसर ओके ओके सॉरी सॉरी नब्बे आंसर नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से दे आर आस्किंग नॉट यू द पोटेंशियल दे आर आस्किंग यू द पोटेंशियल एनर्जी किसके बारे में पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं और एक स्पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बताओ नाइन्टी नहीं होगा आंसर नहीं 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 नाइन्टी नहीं, नहीं होगा भाई क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से इन्होंने पोटेंशियल नहीं पूछा है हमने जो नाइन्टी निकाला है वो तो हमने क्या निकाल दिया है पोटेंशियल निकाल दिया है लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर ये लिखोगे ये लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कि नहीं तो यहां पर अब सुनना ध्यान से इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू बाय आर जो तुमने पोटेंशियल निकाला है उसे तुम Q से मल्टीप्लाई करोगे और ये वैल्यू आई है तुम्हारी 90 और Q कितना आया था Q कितना आया था Q आया था 27 तो दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी ये आपको बेटा पोटेंशियल एनर्जी देगा और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज और इसके ऊपर जो चार्ज था वो क्यू था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी सिंपली के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर समझे कि नहीं समझे तो यहां पर इससे अगर ये कंपेयर करोगे तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो है थ्री आर तो यहां पे डिवाइड मारोगे तो ये आंसर आ जाएगा टू फोर्टी थ्री टाइम्स टू फोर्टी थ्री विल बी द करेक्ट आंसर बढ़िया सवाल है भाई पहली बार में ये गलती हो जाती है टू फोर्टी थ्री आएगा आंसर मुझे लग रहा था पोटेंशियल पूछा है लेकिन दे आर नॉट आस्किंग यू पोटेंशियल क्या पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है बोलो यस और नो डन 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 एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर यहां पर वन बाई टू भी तो होना चाहिए हाँ देखो एक्चुअली में क्या है मुझे तो ये निकालना था कितने टाइम्स वैसे मैं आपको बता दूं कि एक स्पेयर की जो सेल्फ एनर्जी होती है वो वन बाई टू टाइम्स होती है बिल्कुल सही बात है तुम्हारी लेकिन क्या है ना अपन को तो रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसलिए मैंने वो वन बाई टू वाले फैक्टर को कंसिडर नहीं किया यहाँ पर ठीक है भाई सर तक हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है भाई सेल्फ एनर्जी में यहाँ टू भी आएगा लेकिन अपन रेशियो निकाल रहे थे इसलिए ऐसे लिख दिया नहीं तो आप ऐसे लिखोगे खुश सेल्फ एनर्जी पोटेंशियल की कितनी होती है वन बाय टू के अगला सवाल देखो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगले क्वेश्चन पे आना अगले सवाल आओ अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है कि आपके पास यहां पर एक थर्ड चार्ज है क्यू उसे बेटा इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक ले गए क्वेश्चन आराम से पढ़िए यहां पर कुछ चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड है जैसे कि ये यह चार्ज यहां पर कितने डिस्टेंस पर रखा है डी बाई टू और ये चार्ज भी यहां से कितने डिस्टेंस पर रखा है डी बाई टू ठीक और यहां पर इन्होंने एक पॉइंट कंसिडर किया है कहां पर इफ अ थर्ड चार्ज इज टेकन फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है ये ये रहा रा और ये रहा बी क्वेश्चन समझना क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर एक चार्ज को ए से बी तक तुमने मूव किया है और आपसे पूछा जा रहा है A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा जब जिसको मूव कर रहे हो और डेल्टा बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मैं यहां पर यह लिख सकता हूं क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल पॉइंट बी का माइनस पोटेंशियल पॉइंट ए का ये करना है अब मैं ये सवाल आपके हवाले छोड़ता हूं जल्दी बताओ सोच करके और समझ करके कि यहां पर ये वैल्यू क्या आने वाली है देखना अगर मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखूं क्या लिखूं पॉइंट ए पर पोटेंशियल तो देखो इसका भी लिखोगे इसका भी लिखोगे इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे के फोर क्यू डिवाइडेड बाय आर आर का वैल्यू होगा डी बाई टू और इसकी वजह से क्या लिखोगे माइनस के क्यू बाई डी बाई टू यही लिखोगे ना भाई बोलो यस और नो तो जल्दी से देख करके बताना ये वैल्यू होगी थ्री के क्यू डिवाइडेड बाय डी बाई टू तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी सिक्स टाइम्स ऑफ के क्यू बाई डी दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए लेकिन जब मैं बात करता हूं पॉइंट बी पर तो पॉइंट बी पर जब पोटेंशियल लिखोगे तो भाई एक बात बताना इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी प्लस डी बाई टू कितना थ्री डी बाई टू तो क्या लिखोगे के फोर क्यू अपॉन डी लेकिन डी की वैल्यू आएगी थ्री डी बाई टू आई हवा लग रही है समझ में आ रहा है कनेक्ट करते रहना अभी थोड़ी देर में आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट बी पे बताओ क्या लिखोगे ये इसका तो लिख दिया लेकिन इसका क्या लिखोगे इसका तो चेंज ही नहीं हुआ ना यहां से यहां मूव करने पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका तो चेंज ही नहीं हुआ इसकी वैल्यू तो वही रहेगी माइनस के के क्यू बाई डी बाई टू तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी मैंने यहां पर ये सिंपलीफाई करके ये लिखा पता नहीं क्यों लिखा ये तो लिखना ही नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि जब तुम ए से बी जा रहे हो तो माइनस क्यू की वजह से तो पोटेंशियल ए और बी दोनों पॉइंट पॉइंट पर सेम होगा क्योंकि ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज से वो तो सेम है क्योंकि पॉइंट ए भी डी बाई टू पर है और पॉइंट बी भी डी बाई टू पर है बोलो तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये निकाल लेना मुझे अगर इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला जाए क्या बोला जाए डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला जाए अगर कोई मुझसे यह कहे कि पॉइंट बी और पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो इसमें से इसको जब सब्रैक्ट करूंगा तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई बोलो यस और ऑब्जर्व तो करना यहां पर जब इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहां लिखेंगे फोर के क्यू कॉमन निकालिए बाहर और यहां पर बी पॉइंट का लिखेंगे टू बाई थ्री माइनस टू और यहां निकाल लीजिए डी बाहर दिस विल बी द एक्सप्रेशन अब आप देखिएगा ये क्या बनेगा फोर के क्यू डिडेड बाई डी टू बाई थ्री माइनस टू जो कि आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा माइनस के फोर बाई थ्री दिस विल बी द एक्सप्रेशन आंसर बताओ फटाफट क्या रहा है आंसर बताओ फटाफट क्या रहा है इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे हिसाब से यहां पे के की वैल्यू को ओपन कर लेना वन बाय फोर पा लिखोगे तो एपस लिखो तो से फोर कट जाएगा तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं एक माइनस फोर क्यू अपॉन थ्री पाट ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्लियर है क्या और बेटा इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो क्यू से मल्टीप्लाई करो तो देखो जल्दी से एनर्जी क्या आ रही है फोर क्यू स्क्वायर बाय थ्री पा एप्स ए नॉट इंटू डी इंटू डी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा इंक्रीजेज या डिक्रीजेज मेरे हिसाब से डिक्रीजेज आ रहा है डिक्रीजेस क्यों क्योंकि देखो डेल्टा वी नेगेटिव है डेल्टा वी नेगेटिव होने का मतलब एनर्जी बढ़ रही है घट रही है बेटा एनर्जी घट रही है तो आंसर थ्री होगा आंसर थ्री होगा थ्री 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 डन बताइए भाई बताइए क्लियर है सभी को इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा यह सवाल ट्राई करो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो खुद से ट्राई करो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग खुद अप्रोच कर सकते हो क्या पूछा गया है? देखो यहां पे ये दो रिंग है और इनकी वजह से यहां पोटेंशियल पूछा जा रहा है एक रिंग की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल जानते हो क्या होता है के क्यू बाय आर सिंपल सा क्यों क्योंकि रिंग के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम ही तो होता है तो अंदर वाली रिंग पर अगर मैं कहूं चार्ज q1 है और बाहर वाली रिंग पर अगर मैं कहूं कि चार्ज q2 है तो सेंटर पर मतलब पॉइंट ओ पर जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो पोटेंशियल पता है क्या लिखूंगा के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू समझे या नहीं और क्यू वन की वैल्यू क्या लिखोगे जल्दी बताओ क्यू वन की वैल्यू मेरे हिसाब से आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा दिया गया क्या दिया गया लैम्डा दिया गया क्या यही दिया है दोनों का ध्यान से देखना लैम्डा दिया है लेमडा इंटू डिस्टेंस एक सेमी सर्कुलर आर्क का यह डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ पाई इंटू आर वन बोलो मानते हो ये हो गया क्यू वन अब मैं आपसे पूछू क्यू टू की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे वो लिखोगे पाई ये लो भाई क्या इन वैल्यूज को यहां कर दिया जाए जब आप बेटा इन वैल्यूज को यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो देखना क्या बनेगा के भाई समझ आ रहा है जल्दी बताओ वैल्यू पुट करो आर वन से डिवाइड किया लेमडा पाई और यहां भी डिवाइड किया तो ये आर टू कैंसिल आउट हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बन जाएगा टू पाई लेमडा क्या बन जाएगा टू पाई लेमडा वन अपॉन फोर पा एप्स एल ए नॉट वन अपॉन फोर पाएस ए नॉट इंटू टू पाई पाई से पाई कैंसिल और यहां पर ये वैल्यू आती है लेमडा बाय टू एफ्लॉट लेमडा बाई टू एफ्स एल नॉट आंसर शुड बी टू क्या आप लोगों का आंसर टू आ रहा है क्या टू कितने लोगों का आ रहा है भाई जल्दी 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 क्विक क्विक मूव ऑन आप देखिए के सवाल आप खुद चेक करिए हो सकता है कि बीच में दस सवालों में एक दो सवाल थोड़े अच्छे लेवल के आ जाए लेकिन आप एक बात बताइए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मुले याद हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद हैं, क्या इन सवालों को भी आप गलत करोगे क्या जनाब अगर ये सवाल भी आपने गलत किया तो फिर सही कौन सा करोगे आ जाओ भाई आगे बढ़ू क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं यह देखना देखो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूं कुछ जो कि आपके बहुत काम आएगा कई बार क्या होता है कि हमें दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है और डेल्टा वी पूछते हैं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और फिर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया या फिर कई बार क्या होता है कि वो आपको पोटेंशियल दे देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं इस तरह के सवाल हमारे सामने आ सकते हैं तो भाई ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले मैं बताता हूं पहला केस ये है ए और ये है बी तो सबसे पहले ए केस की बात करते हैं अगर ई e दिया है और डेल्टा बी की बात की जा रही है तो याद रखना ये जो रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है जल्दी बताओ यह पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और यहां पे लिमिट जो लगेगी वो लगेगी फाइनल पोजीशन दैट इज बी और यहां पे इनिशियल पोजीशन दैट इज एक्सप्रेशन इस तरीके का मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो या दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे अब कैसे सुनना ध्यान से मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप मेरे भाई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर क्या है डी आर है डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो उसे डी आर लिख दूंगा हा या ना बोलो तो यहां पर डी आर वैक्टर को क्या लिखूंगा डी आर वैक्टर को लिखूंगा यहां पर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप अब अपन इन दोनों का डॉट करेंगे और एक्चुअली में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं मान लीजिए ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है आपसे इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया और ए पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है मान लो क्या दिए एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए ये दिए और आपको बी पॉइंट अब आपसे पूछा जाए कि अगर हम ए से बी मूव किए तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आएगा तो आप क्या करेंगे यहां पर ये एक्सप्रेशन को देखना आगे कैसे सॉल्व करेंगे ई डॉट डी आर इन दोनों का डॉट कर दो डॉट करोगे तो क्या लिखोगे डेल्टा वी और डेल्टा वी बराबर लिखोगे पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए बराबर सुनना ध्यान से आनंद लीजिए आनंद क्या लिखोगे आगे माइनस साइन लगाना मत भूलना इंटीग्रेट करोगे एक्स कंपोनेंट को विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स वाई कंपोनेंट को विद रेस्पेक्ट टू वाई और जेड कंपोनेंट को बेटा विद रेस्पेक्ट टू जेड और यहां पे लोअर लिमिट लगेगी इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट और इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट और अपर लिमिट लगेगी क्या बताओ फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल वाई कोऑर्डिनेट एंड द फाइनल जेड कोऑर्डिनेट तो यहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल करके आया ये आ चुका है किसका डेल्टा वी का डन सर आज खत्म करके ही रुकना है बिल्कुल भाई ने अगर एक बार शुरू कर दिया तो सफर तभी अंत होगा जब हम फिनिश लाइन को टच कर लेंगे तो मस्त रहो देखते रहो और आनंद लो भाई पोटेंशियल के सवाल करा दिए अब थ्योरी बताऊंगा आज के सेशन में पूरा इलेक्ट्रॉन निपटा के ही घर जाना है आज रात को नींद तभी लेनी है जब इलेक्ट्रॉन निपट जाए और कल सुबह उठने के बाद क्या करना है 2020 से 23 तक के एक एक सवाल को चुन चुन के चुन चुन के लगा लेना क्लियर है बोलो यस और नो टेंशन मत लो इस सीरीज को फॉलो कर लेना और 2024 के पेपर से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल तुम्हारे 2024 के पेपर में आ सकते हैं मोस्ट प्रेडिक्टेबल पेपर फॉर जेई मीन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आई विल डिस्कस लेकिन अभी नहीं कब करूंगा जनवरी में जब तक का मौका है आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो भैया अच्छे से कोई बैकलॉक्स हैं कंप्लीट कर लो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो उसके बाद फिर करेंगे वन शॉट कंप्लीट 11थ क्लास मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूरे एक सेशन में बहुत लंबा सेशन रखेंगे पूरे एक सेशन में उसके लिए मजबूत भी तो तुम्हें बनना पड़ेगा अगर एक सेशन 10 घंटे 15 घंटे तक अगर गया

क्या तुम ऐसे वन शॉट मैराथन कंप्लीट रिवीजन फॉर क्लास इलेवंथ कंप्लीट रिवीजन फॉर क्लास ट्वेल्थ क्या कर पाओगे इसीलिए मैं तैयार कर रहा हूं तुम्हें अभी इसे मजबूत रहो एकदम तैयार करते रहो सर ऑप्टिक्स बैकलॉग है बेटा टेंशन मत ले ऑप्टिक्स का एक ऐसा सेशन लेके आऊंगा ना ऑप्टिक्स मैंने ना होल्ड किया हुआ है क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत डिमांड में चल रहा है ऑप्टिक्स क्या ना किसी ऐसे दिन लूंगा जिस दिन छुट्टी हो उस दिन अपन के पास क्या ना समय ज्यादा होगा और एक दिन में ऑप्टिक्स ऐसा पढ़ा दूंगा ना ऐसा एकदम क्लीन क्लियर 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 सट 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 सटा सट सटा सट फटाफट सट, 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 फटाफट फट, सारे पी वाई क्यू एक लाइन में लगा देंगे टेंशन मत ले अभी हम हैं यहाँ पर कोई भी चैप्टर बैकलॉग है ना टेंशन मत लो मस्त हो जाओ ऑप्टिक्स ऑफ फ्लूइड की तुम्हें टेंशन है क्या मस्त हो जाओ ऑप्टिक्स ऑफ़ का तो ऐसा सेशन लूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा मैं ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो के सेशन ये तुम्हें बेस्ट सेशन लग रहे हैं क्या ये बेस्ट नहीं है भाई ये मेरा बेस्ट नहीं है मुझे पता है कि इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन कैपेसिटर इनका बेसिक आइडिया सबको होता है जिस दिन बेस्ट सेशन लूंगा उस दिन देखना अपना चलो भाई आगे बढ़े आइए भाई आइए 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 तो देखो भाई एक पहला केस तो मैंने आपको ये वाला बता दिया कि कभी भी आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्या आपने कभी वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाला है अगर कोई एक वेरिएबल फोर्स दिया हो और आपसे बोला जाए एक पार्टिकल को हमने ए से बी मूव किया तो शायद आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं ऐसे ही निकालते थे यहां पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहां फोर्स का वाई कंपोनेंट और यहां फोर्स का जेड कंपोनेंट और इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं सब कुछ वही है लेकिन याद रखना कि यहां पर आगे माइनस लगाना है क्या लगाना है माइनस लगाना है यह मत भूल जाना अब आते बी केस पर केस क्या है कि अगर पोटेंशियल दिया है और वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले अगर पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो भाई मैं यहां पर यह कहूंगा कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं सुनना ध्यान से डीवी बराबर होता है सॉरी डी वी बराबर होता है माइनस के ई वेक्टर डॉट डी आर और इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा माइनस ई डी आर थीटा ई थीटा क्या है अगर मैं आपसे पूछू ई e थीटा क्या है तो आप कहेंगे कि ई थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो कि किसके डायरेक्शन में होगा डी के डायरेक्शन में तो इसे मैं बोल सकता हूं ई पैर इंटरीआर मतलब यहां से E का वो कंपोनेंट जो dr के डायरेक्शन में है वो यहां से आता है माइनस के dv वी बाई डी आर ये क्या लिखा है बताता हूं सुनना ध्यान से समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है मैं मान लो यहां से मूव किया इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट है dr। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ना वो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो पोटेंशियल दिया होता है वो वो विद दिया दिया होता है है मान लो आपको जो पोटेंशियल गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड दिया गया है अगर पोटेंशियल इस फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पता है कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखोगे माइनस बाहर पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हो अगर तुमने वर्क पावर एनर्जी है ना तो सब कुछ आता है तुम्हें पोटेंशियल को एक बार पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार जनाब पार्शियली डेरिवेटिव करो वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जनाब पार्शियली डेरिवेटिव करो जेड के रिस्पेक्ट में इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं मुद्दे की बात जनाब यहां पर यह है कि इन दैट सिचुएशन आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि तो आप जानते हो पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी है और अगर एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी तक पहुंचना है तो आपको पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो जनाब एक कंपोनेंट और मिलेगा लेकिन वो वो कंपोनेंट होगा जो वाई के अलोंग होगा और जब जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो तीसरा कंपोनेंट मिलेगा मुद्दे की बात जनाब यह है कि यहां पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली आपको इस फंक्शन को तीन बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि जब आप तीन बार करेंगे तब जाकर के, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट मिलेंगे क्योंकि यहां पर मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि कुछ लोगों को लगता है कि डीवी बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ना डीवी बाई डी आर विद नेगेटिव साइन दैट विल गिव यू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर कार्य भैया राहुल सर रॉक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉक गजब आदमी हो बे कहां से लाते हो बे कुछ सस्ते सस्ते सायर हो तुम लोग पता है वो छपरी वाले सायर होते हैं ना तुम लोग बिल्कुल वैसे हो ये क्या सांगिंग नाग सर अगर आप इतना अच्छा पढ़ाते भाई ये कौन भाई लोग हैं कहाँ से आते हैं तो सर आपका नाम क्यों नहीं सुना भाई लगता है आप कोटा शहर में कभी आए नहीं है अगर आप इस कोटा शहर में आए होते तो यहाँ का हर ऑफलाइन स्टूडेंट भाई का नाम जानता है ठीक है तो नाथ साहब ये दुनिया बहुत बड़ी है जिस दुनिया में आप रहते हैं जरूरी नहीं है कि वहां तक ये दुनिया सीमित हो जाती हो चलिए आगे बढ़े क्या भाइयों मेरी बातें समझ में आ रही है क्या आज के बाद अगर इस तरीके के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे या तो ये केस या तो ये केस क्या सॉल्व कर पाएंगे देखिए आ जाइए सवाल देखिए बहुत देर होगी टाइम पास करते क्वेश्चन पाइए जेई मींस दो में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको पोटेंशियल दिया गया है पोटेंशियल थ्री दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे हैं, 1, 0, पे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही फर्जी क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल है उसका वेरिएशन सिर्फ एक्स के साथ हो रहा है तो ये तो तो ये के समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम्हें कंपोनेंट निकालना है तो वो लिखोगे क्या बेटा हम यहाँ पे शायरी सुनाने नहीं आए हमारी फिजिक्स ही अपने आप में एक शायरी है हम फिजिक्स चालीसा सुनाने आए हैं और अगर आपको शायरी सुननी है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मत आइए किसी और प्लेटफॉर्म पे जाइए जहां यही सब काम होते ठीक है भाई यहाँ पे फोकस करो माइनस के सिक्स एक्स एक्स की वैल्यू क्या है वन तो बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी माइनस सिक्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट बता दो

कितनी सारी डेप्थ में एनालिसिस करते हैं कितने कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली समझते हैं यहां तो वो वहां तक पहुंचते ही नहीं सवाल शुरू होने से पहले भाई खत्म सवाल शुरू होने से पहले भाई खत्म चलिए भाई आगे आगे बढ़ता हूं एक और सवाल मैं आपसे यहां पे पूछता हूं ध्यान से सुनिएगा अभी पता चल जाएगा कि मान लो अगर मैं आपको बोलता थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर ये मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है पोटेंशियल ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आपसे पूछा जाए कि आपको फाइंड करना है क्या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्पेस में एक पॉइंट किया और आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्या तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे क्या तुम इस सवाल का सही आंसर निकाल पाओगे सर और कितनी देर चलेगा सुबह साढ़े छह पे क्लास है वाह बेटे वाह मौज कर दी मेरी भी क्लास है बेटा आठ पंद्रह पे मेरी भी क्लास है ठीक है तुम्हें जाना है तो जा सकते हो मुझे भी नहीं पता कब तक चलेगा एक आध घंटा और चलेगा बताओ कैसे करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा क्या मैं ये लिख सकता हूं नेगेटिव साइन बाहर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर का आपको पता है अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स के अलावा बचे हुए सारे टर्म्स बाहर आ जाएंगे तो यहां पर अपन ये कहेंगे कि देखो थ्री वाई जेड स्क्वायर बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे इंटू टू एक्स ये आएगा तो देखो मेरे हिसाब से ये वैल्यू क्या आएगी थ्री इंटू टू सिक्स माइनस सिक्स एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर

z कंपोनेंट निकालना है तो माइनस थ्री सॉरी इधर आ गया z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा टू इंटू जेड ये आएगा थ्री इंटू टू क्या आ गया सिक्स माइनस के सिक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड ये आ रहा है एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने पे ये आएगा माइनस सिक्स यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस थ्री और यहां पर एक्स और जेड की वैल्यू जब पुट करेंगे तो बेटा ये आता है प्लस सिक्स क्या मैंने सही सोचा है तो मैं ये कहूंगा कि स्पेस में इस गिवन पॉइंट पर जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है माइनस के सिक्स आई कैप माइनस के थ्री जे कैप और प्लस के सिक्स के कैप दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मेनी ऑफ यू सिक्स माइनस थ्री एंड सिक्स क्या यही आ रहा है क्या <coughs> माइनस का आ रहा है ना माइनस के सिक्स तीनों को थोड़ी थोड़ा कर दोगे माइनस थ्री कौन बोल रहा है अबे तीनों ऐड करोगे क्या गजब आदमी हो कहां से आए हो बे <laughs> भाई ने पता है क्या किया सर माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स वाह बेटे वाह इक्कीस तोपो की सलामी है भाई को भाई ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्स वाई और जेड के अलोंग है एड कर दिया भाई को लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी होती है भाई ये करोगे क्या तीनों का ऐड? ऐसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो स्क्वायर रूट में सिक्स का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर ये करना पड़ेगा ओ भाई ओ भाई ओ भाई गजब हो गजब एड ही कर दिए भाई लोग नाइन क्या बता रहे हो नाइन अच्छा मैग्नीट्यूड बता रहे हो ओके ओके हाँ ये बात सही है अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तीन नहीं आएगा छ का स्क्वायर छत्तीस तीन का स्क्वायर नौ और छह का स्क्वायर छत्तीस तो मेरे हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ एट्टी वन नाइन आ रहा है बेटा बिल्कुल नाइन विल बी द करेक्ट आंसर नाइन विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़ू आ जाओ अगला सवाल देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ ट्राई करो 2023 थाउजेंड जेई मेन्स का क्वेश्चन है भाई यहां पे क्या है कि एक स्पेरिकल बॉल है आपके पास और उसकी वजह से पोटेंशियल दिया गया है टू ए आर स्क्वायर प्लस बी ओके नाइस ए और बी कॉन्स्टेंट दिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल पूछ रहे हैं ओ oh, नाइस nice. ये अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है ट्राई करिए भाई आसान सवाल है एक लाइन का इन अ सिंगल लाइन यू विल गेट द आंसर लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या आने वाला है ये आएगा प्लस बी बी कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो तो माइनस के फोर एंटू आर है क्या है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से एक स्पेरिकल बॉल की वजह से आप इस वैल्यू को किसके बराबर लिखेंगे रो आर बाई थ्री एफ नोट क्योंकि तो एक सॉलिड स्पेयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या ये होता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ चुके हैं तो बेटा इस सवाल में आपको रो ही पूछा गया है रो की वैल्यू चार इंटू तीन बारह तो माइनस के बारह ए इंटू एप्सैलिन नॉट माइनस के ट्वेल्व ए एप्सलिन नॉट ऑब्जर्व करना जल्दी से क्या लेमडा की वैल्यू तुम्हारे पास बारह आ रही है क्या ट्वेल्व विल बी द करेक्ट आंसर ट्वेल्व विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाइस वंडरफुल क्या हम यहां पर अगले सवाल की तरफ मूव कर सकते हैं आइए नेक्स्ट अभी यहां पर डायपोल शुरू हो गया क्या शुरू हो गया डाइपोल डाइपोल को शुरू करने से पहले भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फटाफट से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज कर लिया जाए ठीक है भाई यहां पर कहा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल ये रहा नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यहां पे तो काफी ज्यादा रायता फैल रखा है हां भाई देखना मैं आपको बता दू सबसे पहले फटाफट इलेक्ट्रिक डायपोल को फटाफट से रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको ये पता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू अगर मान लीजिए इनके बीच का ये डिस्टेंस डी है तो इसका डाइपोल मोमेंट पता है आप क्या लिखेंगे क्यू इन टू डी क्यू नेट चार्ज नहीं होगा क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा और डी जो है वो क्या होगा डिस्टेंस इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का दिस इज अ वे टू राइट डाउन द डाइपोल मोमेंट पॉइंट की बात ये है इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कभी भी आपके पास दो तरीके के डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है डिस्क्रीट में तो कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं तुम्हें मान लो पहली बात ध्यान से सुनना अगर मैं ये कहूं तुम्हें तो एक क्यू टू चार्ज यहां पर है एक क्यू थ्री चार्ज यहां पर है ये चार्जेस 3D में कहीं भी हो सकते हैं ये चार्जेस 3D में कहीं भी हो सकते हैं और हमें इन चार्जेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए इन सभी चार्जेस के हमें ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं आर थ्री वैक्टर आर टू वैक्टर और आर वन वैक्टर और मुझसे ये बोला जाए इसका डाइपोल मोमेंट निकालो तो भाई पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है ना डाइपोल मोमेंट तभी डिफाइन होगा जब टोटल चार्ज जीरो होगा मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब भी डाइपोल मोमेंट पूछा जाएगा ना तो समेशन फ्रॉम आई जीरो मस्ट भी जीरो होना चाहिए

कंटिन्यूस में सवाल ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है रॉड का हाफ ये पॉजिटिव है और ये हाफ नेगेटिव है ये लेंथ आपको एल दी गई है और ये लेंथ भी आपको एल दी गई है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कैसा है यूनिफॉर्म तो पता है उसके इसमें क्या करना है जो पॉजिटिव चार्ज है उसे मेल्ट करके उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रख दो नॉट सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास पर रख दो मतलब इसे मेल्ट करके इसके सेंटर ऑफ मास पर इसे मेल्ट करके इसके सेंटर ऑफ मास पर मतलब मैं यहां पर यह कहूंगा कि इसे मेल्ट करके यहां रख दिया और इसे मेल्ट करके यहां रख दिया यहां जो चार्ज होगा वो हो गया प्लस क्यू और यहां जो चार्ज होगा वो हो गया माइनस क्यू इसका सेंटर ऑफ मास इस कहां पे होगा एल बाई टू पर तो एक बार बताना ये एल बाई टू ये बाई टू ये डिस्टेंस कितना तो मल्टीप्लाइड तो चार्ज. चार्ज. -फट बाई एल तो मैं कह सकता हूं लेमडा इंटू एल बोलो समझ आया? अब इस तरह के और भी सवाल आपके सामने आ सकते हैं जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे ना होकर के हो सकता है किसी एक रिंग पे हो जैसे कि मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछता हूं मान लीजिए ये एक रिंग है और इस रिंग पर मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। रिंग है रिंग ठीक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है कैसी रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोलो भाई और यहां पे जो टोटल चार्ज है वो है प्लस क्यू जितना इस रिंग पे चार्ज है एग्जैक्ट उतना ही चार्ज आपने यहां सेंटर पर रख दिया लेकिन यह है माइनस क्यू कितना है माइनस क्यू अब आपसे यह पूछा जाए कि जल्दी से फटाफट यह बताइए कि इस रिंग का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताइए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपसे पूछा गया कि डाइपोल मोमेंट बताइए इस रिंग का क्या होगा तो आप क्या लिखने वाले हैं आप क्या करेंगे इस पूरे चार्ज को मेल्ट करके कहां रख देंगे इधर ये हो गया प्लस क्यू इस रिंग का सेंटर ऑफ मास और रिंग का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होता है अगर अगर आपने सेंटर ऑफ़ मास पढ़ा है, तो तो ये डिस्टेंस क्या होगा? टू आर पाई। तो अगर कभी भी दिया हो, तो आप उसे में कर सकते। उस चार्ज को मेल्ट करके उसके सेंटर ऑफ मास पर रख दो तो एक बताना, क्या ये एक सिंपल सा जैसा क्वेश्चन बन चुका है तो यहां पर अगर डाइपोल मोमेंट पूछा जाएगा तो क्या लिखूंगा Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होगा टू आर बाई फाइव वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहां जेके कैप लिख सकते हो ये लो खत्म हो गया भाई बोलो क्लियर है बोलो हाँ या ना? अब आता हूं यहां पर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल भर भर के मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखना भाई क्या समझा रहा हूं समझना मान लो ये डाइपोल दिया हुआ है और आपने यहां पे कोई एक पॉइंट कंसीडर किया स्पेस में और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और ये एंगल जो है वो थीटा दिया है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैं आपको बता दूं क्या होगा kp r2 स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अब थीटा की वैल्यू सुनना ध्यान से थीटा की वैल्यू जीरो या वन एट्टी हुई स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री या वन एट्टी डिग्री हुई मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे तुम फील्ड निकालना चाह रहे हो मान लो ये कोई पॉइंट पी है P, वो पॉइंट है जहां तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो अगर ये पॉइंट डाइपोल वाली लाइन के हुआ मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं जैसे कि फॉर ये ये रहा मेरा डाइपोल तो पॉइंट या तो आगे होगा या पीछे होगा या तो आगे होगा होगा या पीछे होगा? तो इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन क्या बोला जाता है एक्सियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे याद रखना काम की बात इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है जल्दी से बताना अगर थीटा यहां रख दिया वन एटी रख दिया तो ये वन बन जाएगा और वन प्लस रूट ऑफ फोर बाहर निकल के आएगा टू तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टू के पी अपन पहली बात और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल मोमेंट का होता है टू के पी बायर दिस इज अ मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां पे पीछे वाले पॉइंट पे पूछता तो पीछे वाले पॉइंट तो पर भी मैं यही लिखता क्या टू के पी अपन आर स्क्वायर ठीक है ये एक्सियल पोजीशन क्या है एक्सियल पोजीशन जब मैं बात करता हूं इक्विटोरियल पोजिशन की तो वहां पर आपको समझना होगा ठीटा नाइन्टी डिग्री हो जाता है क्या हो जाता है नाइन्टी डिग्री अगर ठीटा नाइन्टी डिग्री है सुनना ध्यान से ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने कंसिडर किया यहां पर पॉइंट वो लाइन जो कि इस डाइपोल के परपेंडिकुलर है इस लाइन को पता है क्या बोला जाता है इस लाइन को बोला जाता है इक्विटोरियल पोजिशन अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विटोरियल पोजिशन पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी तो सुनना ध्यान से थीटा की वैल्यू नाइनटी रखोगे ये टर्म जीरो हो जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के पी आर लेकिन इस फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू द डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे मिलेगी और मिनिमम वैल्यू आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे मिलेगी मतलब इस एक्सप्रेशन से यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से टू के पी बटे आर स्क्वायर से लेकर के पी बटे आर स्क्वायर के बीच में कुछ भी हो सकता है डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कहीं भी जीरो नहीं होगा क्या ये बात आपको देख करके समझ आ रही है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां मिलेगी एक्सियल पर और मिनिमम कहां मिलेगी इक्विटोरियल पर इस फॉर्मूले को याद रखिए ये काफी काम की चीज है जो कि आपके आगे मदद करेगा सवालों को जल्दी सॉल्व करने में ठीक है भाई अब बात करता हूं यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एक मिनट भाई नोट कर लेना भाई आनंद आ रहा है भाई नींद आने लगी होगी तुम लोगों को तो अब क्यों भाई सर ये आपने के पी बाय क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अच्छा हाँ सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी ना ओ हो हो काफ़ी देर से गड़बड़ हो रही है ध्यान ही नहीं दिया माफी चाहूँगा भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ये स्क्वायर नहीं होगा ये क्यूब आएगा यहाँ पे क्यूब बिल्कुल के पी बाय आर क्यूब आता है जहाँ भी स्क्वायर लिखा है ना उसको क्यूब कर लेना भाई वो दिमाग बिल्कुल सही कह रहे हो भाई मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी चैट पर यहाँ पर हर जगह क्यूब आएगा परफेक्ट डन 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 अभी सही है आर स्क्वायर नहीं आएगा आर क्यूब आएगा अभी ठीक है ना भाई अभी तो कोई दिक्कत नहीं हाँ के पी बाय आर स्क्वायर की जगह वो आर क्यूब कर लीजिएगा उसको आगे बढ़ू अब सुनिएगा पोटेंशियल क्या पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल फॉर्मूला बता रहा हूँ सुनना ध्यान से ये रहा पोटेंशियल मुझे यहां पे निकालना है ये रहा आपका अगर ये एंगल थीटा है एंगल क्या है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल में आर स्क्वायर आता है मेरे जहन में वही चल रहा था वो पोटेंशियल वाला टर्म <coughs> पोटेंशियल वाला टर्म ही मेरे जहन में चल रहा था भाई ठीक केपी पी थीटा बाय स्क्वायर अब देखना इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है आप मानिए ये पी वेक्टर है ये आर वेक्टर है तो एक बार बताना पी वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पी आर थीटा तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्या इसे मैं पी थीटा लिख सकता हूं और इस वैल्यू को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो P cos थीटा की वैल्यू ये रही और इसको यहां पे किया पुट तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने क्या बनेगा K मल्टीप्लाइड बाय P वेक्टर डॉट R वेक्टर और यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा R क्यूब यहां पर ये याद रखेगा ये जो R वेक्टर लिखा है ये क्या है R वेक्टर का मतलब क्या है R इज अ पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी कौन सा पॉइंट पी पी कौन सा पॉइंट है पी वो पॉइंट है जहां मेरा इंटरेस्ट है क्या फाइंड करने में पोटेंशियल तो मैं कहूंगा कि पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल विद टू डाइपोल आपने जहां भी डाइपोल को रखा है तो ये आर वेक्टर होगा क्या ये समझ आ गया क्या ये फॉर्मूला याद हो गया अब तुम सोचो इक्विटोरियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं इक्विटोरियल पोजीशन पर ये रहा मान लो डाइपोल और ये रही इक्टोरियल पोजिशन क्या वहां तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि position पर क्या मेरे क्या potential जीरो होता है भाईटोरियल पोजिशन पर क्या पोटेंशियल जीरो होता है? अगर मैं बात करूं एक्सियल पोजिशन पर तो देखना अगर ये पॉइंट एक्सियल में आगे हुआ तो थीटा जीरो और थीटा जीरो, तो इस point पर potential कितना आएगा ठीटा जीरोक्वायर और अगर ये पॉइंट पीछे हुआ यहां कहीं हुआ तो थीटा कितना आएगा जल्दी बताओ थीटा होगा 180 180 और 180 की वैल्यू प्लस वन या माइनस वन माइनस वन तो अगर ये पॉइंट पीछे हुआ तो यहां पे पोटेंशियल आएगा माइनस के केपी अपॉन स्क्वायर ये ये बनेगा ये. तो अगर आप देखो तो ये वैल्यूज देख करके आपको क्या समझ आ रहा है यहां देख के समझ आ रहा है कि पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं होती सुन लेना पोटेंशियल मिनिमम कब आएगा जब कॉस्ट थीटा माइनस वन होगा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू माइनस के पी बाय आर स्क्वायर अब मैक्सिमम वैल्यू भी के पी बाय आर स्क्वायर मैक्सिमम भी एक्सियल पे मिलती है और मिनिमम भी एक्सियल पर मिलती है डन बोलो क्लियर है भाई पानी पिया जाए भाई हा 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 बहुत देर हो गई भाई बोलते बोलते पूरा दिन ऑफलाइन क्लास फिर रात को ऑनलाइन क्लास हाँ यस यस सब बढ़िया क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला याद रहना ज्यादा बेहतर है या एक्सियल और इक्विटोरियल एक पे याद करना ज्यादा बेहतर है सर ये लास्ट टॉपिक है हाँ ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अब ज़्यादा देर का सेशन नहीं बचा हुआ है भाई परेशान मत हो कई सारे लोग सोच रहे हैं बस सर थोड़ा रहम कर दो ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका भाई क्या बात है जोश कैसे ठंडा हो गया एक बार अटेंडेंस लगा दो भाई फटाफट से चैट में फटाफट से भाई चैट में वन टाइप कर दो जो लोग यहाँ पे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और जो अभी भी एक्टिव हैं और अभी भी हाई एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं आगे के जो सेशंस होंगे उसके बारे में भी बता दूं आपको ग्रेविटेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर ये सब कवर करने वाले हैं मस्त हो जाइए बिंदास हो जाइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए कौन कौन जिन आ, आ, सोया नहीं है अनुपम आदित्य कूल मोटिवेटर श्रेयस प्रिंस आयुष वर्धन हिमांशु दीक्षा सूर्य धीर काफ़ी लोग जग रहे हैं एक भाई साहब कह रहे हैं सर आग लगा देंगे भाई भाई आग मत लगाओ नंबर लेकर के आओ आग लाने में तो सबका नुकसान हो जाएगा भाई अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि सर कंडक्टर देखो भाई कंडक्टर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना पहले ही बता देता हूँ ठीक है कंडक्टर में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं लेकिन कंडक्टर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्स में कंडक्टर के बहुत टफ़ क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर कंडक्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पर एक अपना चैनल है कोटा पल्स बाय आन अकेडमी वहाँ पर मेरी एक प्ले होगी या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कंडक्टर बाय आर वाई सर तो मैंने वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाया है तो अगर आपको कंडक्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आ इधर आप तो या वहाँ तो कवर कर लो लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेप्थ में मत जाना कंडक्टर में सर आप बोले थे इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट तो है मैं ये नहीं कह रहा कि कंडक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंडक्टर को उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ जिन लोगों ने कंडक्टर मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा कि मैंने कंडक्टर में कितना समय डिवोट किया होगा तो क्योंकि मेन्स में सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए चलिए आगे बढ़ू यस यस आगे आओ भाई आगे यहां पर दो फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट है एक याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो याद रखना कि नेट फोर्स जीरो होगा होगा क्या नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन उस पर जो टॉर्क है उस टॉर्क की वैल्यू होगी पी क्रॉस सी दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आएगा पी साइन थीटा और ये टॉर्क की टेंडेंसी होती है कि ये चाहता है कि जो पी वैक्टर है वो ई e के डायरेक्शन में रहे मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो ई e का टॉर्क पी पे लगेगा और ये कोशिश की जाएगी कि जो पी है वो इस डायरेक्शन में आ जाए आप शायद ये भी समझ पा रहे होंगे कि थीटा की वैल्यू अगर जीरो या 180 होगी तो टॉर्क जीरो होगा ठीक एक और बात बता देता हूं यहां पर इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस के पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर अगर एक डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वहां पे जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं इस यू को मैं पीई e लिख देता हूं ठीक है मत लिखो पीई पता चले पीपी काट दो लिख लो ये पोटेंशियल एनर्जी है आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस के पीई कॉस थीटा जब थीटा की वैल्यू जीरो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जो कि कितनी होती है माइनस के पीई और जब थीटा की वैल्यू वन एट्टी होती है चेक करो थीटा वन एट्टी पुट करोगे कॉस वन एट्टी की वैल्यू बताओ कितनी होती है माइनस वन तो यहाँ पे जैसे थीटा 180 पुट करोगे यू की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस के पी की देख करके समझ आ रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे थीटा क्या है थीटा जल्दी बताओ थीटा है पी और ई e के बीच का एंगल बोलो जल्दी बताओ फटाफट से यहां पर आप देख करके बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि पी और ई e के बीच का जो एंगल होता है उसे ठीठा कहते हैं ठीक थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करते चले जाओगे थीटा की वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा यहां पर थीटा जीरो होता है ना वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पर थीटा वन एट्टी होता है ना वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर आपका पी और ई e

क्या ये टॉपिक आपको याद रहेगा तो देखिए यहां पर आपने ये बात समझ ली होगी कि मैं यहां पर अगर डायपोल की बात करूं किसकी बात करूं डायपोल तो डायपोल के लगभग सारे फॉर्मूले आपको पढ़ा चुका हूं आ जाओ यहां पर जरा चेक करना ये देखो ये फॉर्मूला ऑन द एक्सेस इक्विटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ लिया बिल्कुल पढ़ लिया भाई यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर देखना ये और तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मूला और जरूर याद कर लेना भाई ये लिखा है पोटेंशियल एक सॉलिड स्पेयर की वजह से अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो ये वैल्यू होती है रो बायिक्स एफ सलेन थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका आपको यह भी पता होना चाहिए ग्राफ क्या होता है ये किसका बना रहा हूं, समझ में आ रहा है एक सॉलिड स्पेयर की वजह से सेंटर से अगर आप इंफिनिटी तक जाते हैं तो पोटेंशियल का वेरिएशन तो ये वेरिएशन पहले ऐसे होता है फिर ऐसे होता है पहले ये पैराबोलिक फंक्शन बनता है अप टू द सरफेस लेकिन इसके बाद ये फंक्शन वैसा ही होता है जैसा कि आपको पता होगा एक पॉइंट चार्ज का होता है मुद्दे की बात यह है कि सेंटर पर जो वैल्यू होती है ना वो होती है तीन बटे दो केक्यू बटे आर और वैल्यू होती है वो होती है सेंटर वैल्यू सरफेस के डेढ़ गुना ज्यादा होती है यहां पर ये फंक्शन पहले पैराबोलिक है और बाद में हाइपरबोलिक है मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब तक हम अंदर हैं तब तक ये इक्वेशन पैराबोलिक है और जब हम बाहर आ गए देखो ये फॉर्मूला यहां इतनी इंपॉर्टेंट समझ नहीं आ रही होगी लेकिन ग्रेविटेशन में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब हम बाहर आ गए तो ये हो गया हाइपरबोलिक क्या हो गया बेटे हाइपरबोलिक बोलो यस और नो मतलब तो आप ये कह सकते हो सेंटर से सरफेस की तरफ जब मूव करोगे तो पोटेंशियल लगातार घटता चला जाएगा क्योंकि हम एक बात जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है सेंटर पे और सेंटर पे याद रखना ये वैल्यू कितने टाइम्स होती है तीन बटे दो टाइम्स होती है डेढ़ गुना ज्यादा होती है बोलो क्लियर है चलिए आगे बढ़ू इसी के साथ तो यहां पर अब हमें यह बात समझ में आ चुकी है कि अब हम डाइपोल के सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भाई क्या करेंगे डाइपोल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आ जाओ अब देखना डाइपोल के कितने आसान सवाल पूछे गए अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा ट्राई करो इस सवाल को देखना कितने अच्छे लोग हैं यहां पर यह कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल आपको इस पॉइंट पे बताना है और ये भी कह रहे हैं इनको पता है कि अपने भाई बंधु कितने गरीब हैं कि आर और P का जो डॉट प्रोडक्ट है ना क्या डॉट प्रोडक्ट ये जीरो है यार आर और पी का डॉट जीरो ये बात आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना वो पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा क्योंकि देखो देखो पोजीशन पोजीशन वो position होगी जहां पे देखो, ये मोमेंट और आर वेक्टर उसके परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर का मतलब वो इक्विटोरियल पोजीशन होगी अच्छा एक बात बताना इक्विटोरियल पोजीशन पे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जल्दी सोच करके बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा क्या आपको पता है पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट होगा ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अपोजिट होगा और यहां पे हमें सिर्फ यही देखना है कि वो किसके पैरल होगा तो मैं कहूंगा आप इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वन ये प्लस और ये माइनस टू वन प्लस ये लो खत्म बताओ इससे आसान सवाल क्या हो सकता है लोग इस सवाल को पढ़ने से पहले छोड़ देते हैं पता है है में जब 2020 में ये सवाल आया था तो मुश्किल से 6 या 7 लोगों का ही ये सही हुआ मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने या तो अटेम्प्ट नहीं किया यह सोच करके कि भाई बहुत टफ क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म में दिया गया लेकिन सिर्फ ये आपके कॉन्सेप्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से आंसर क्या आएगा तीन डन आगे आ जाओ एक मिनट ये तो पीछे चले गए आगे ये बेहतरीन क्वेश्चन है यार इसको ट्राई करो भाई जस्ट टेक योर टाइम ठीक है अच्छा सवाल है मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़िए उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिए दो मिनट का समय दे रहा हूं क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को यस yes. यू हैव अ टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक पॉइंट डायपोल्स आपके पास दो पॉइंट डाइपोल हैं और दोनों ही डाइपोल्स को बेटा आपने एक्स एक्सेस के अलोंग रखा हुआ एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ईच अदर वैन दे रिलीज दे मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस नाइस बढ़िया सवाल है भाई मतलब मीन के हिसाब से ठीक सवाल पूछ लिया उन लोगों ने Até aí. यस yes, सर आप पहले कहते थे कि वन शॉट देखने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है हाँ मैं तो आज भी यही कहता हूँ सिर्फ वन शॉट देखने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ये वन शॉट देख लेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे पास अपने क्लास नोट्स नहीं है हमने कभी भी अपने प्रॉपर क्लास नोट्स नहीं बनाए तो आपको क्या लगता है इस वन शॉट से तुम्हारा पूरा कल्याण हो जाएगा ये तो मैं आज भी बोलता हूँ ये एक, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है समझ रहे हो ये सब कुछ थोड़ी है एक बात बताओ जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके होंगे ये चैप्टर कम से कम कितने लेक्चर लेता हूं मैं जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं पंद्रह से बीस लेक्चर लेता हूं अब पंद्रह से बीस लेक्चर का कंटेंट क्या मैं यहां पर कुछ चंद घंटों में डिलीवर कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता क्या कोई चमत्कार हो सकता है नहीं हो सकता तो मैं तो आज भी यही कहता हूं जो लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ वन शॉट से पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं वन शॉट इज लाइक का बूस्टर फॉर यू आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपने वन शॉट देख लिया तो ये है कि अगर आपके पहले 150, 160 मार्क्स आ रहे थे तो ये इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा अब आप जीरो पर ही बैठे हैं और आप सोच रहे हैं वन शॉट से पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है भाई सिंपल सी चीजों को मैनुपलेट करने की बजाय उनका सही मतलब समझिए मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग सिर्फ वन शॉट से ही पढ़े वन शॉट से पढ़ने से क्या होता है चैप्टर टीचर तो खत्म कर जाता है लेकिन स्टूडेंट के लेवल पर तभी खत्म हो पाएगा जब उसने पहले से पढ़ रखा हो जैसे इस समय मेरी बातें जिन लोगों को समझ आ रही है वो वही लोग होंगे जिन्होंने इससे इस पहले पढ़ रखा है अब किसी ने कभी चार्ज का नाम ही ना सुना हो और वो यहां पे आके बैठ जाए क्या उसको ये कुछ समझ में आएगा क्या भाई तुम बताओ <laughs> जिसे यही नहीं पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको कहां से समझ आएगा क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा ना कुछ समझा रहा हूं मैं सिर्फ काम काम के फोकस टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ठीक सिंपल सी बात यह है कि जो रिवीजन कर रहा है उसके लिए बढ़िया चीज है ठीक देखना भाई ये पी वन ये पी टू ये दो डायपोल है और मेरे हिसाब से दोनों डाइपोल आइडेंटिकल मतलब दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है सेम इनके बीच का इनिशियल ये डिस्टेंस क्या दिया था ए ठीक अभी क्या होगा ये डाइपोल मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं जब ये डाइपोल एक दूसरे से सेपरेटेड हो चुके होंगे तो मैं कहूंगा कि इनकी जो इंट्रेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में अब इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे दो डायपोल्स की ये तो मैंने पढ़ाया नहीं कैसे निकालोगे अभी थोड़ी देर पहले बताया था यू बराबर ये पढ़ा है फॉर्मूला आपने वैक्टर डॉट ई वैक्टर तो मैं यहां पर यह लिखूंगा कि इस डाइपोल का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें यह P रखा हुआ है याद रखना जिसका होगा होगा उसका e नहीं होगा. अगर मैं यह कह रहा हूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां एक डाइपोल रखा है तो तुम यह कहोगे अगर यह पी टू है तो यह पी वन है मतलब है एक बार बताना क्या यह एक्सियल पोजीशन है एक्सियल पोजीशन पे क्या इसकी वजह से में यहां पर जल्दी से बताना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है टू केपी बाय ए क्यूब क्या आएगा टू के पी बाय क्यूब तो मैं क्या लिखने वाला हूं पता पी इन टू टू के पी डिवाइडेड बाय डि क्यूब एक क्यूब दिस इज वॉट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी जीरो थी काइनेटिक एनर्जी क्या थी जीरो लेकिन ये एनर्जी जब ये सेपरेटेड हो गए तो किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी एक डाइपोल की क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर लेकिन बेटा अगर इसकी स्पीड वी है तो इसकी भी स्पीड वी होगी क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा अगर एक डाइपोल आगे जा रहा है तो दूसरा डाइपोल पीछे जा रहा है बोलो तो अगर एक की स्पीड भी है तो दूसरे की भी वी होगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है

तो देखना जल्दी से फटाफट वी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है सोल्व करने पर के वैल्यू पुट कर लेना के की वैल्यू क्या रखोगे वन अपॉन फोर पाए नॉट अगर आप गेट द आंसर थ्री थ्री विल बी द करेक्ट आंसर थ्री विल बी द करेक्ट आंसर क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों का नाइस okay, nice. नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन ये ये देखिए भी का क्वेश्चन है यहाँ पे दो डायपोल है एक ए है और एक बी है ए वाला डायपोल ऐसे रखा गया है और बी वाला ऐसे रखा गया है जो ए डाइपोल है उसका डायपोल मोमेंट पी वन है और जो बी डाइपोल है उसका डायपोल मोमेंट पी टू है फाइंड द रेशियो ऑफ अ डाइपोल मुंट ऑफ ए एंड बी ओके okay. अच्छा एक बात बताना ए डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट है सी जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है अच्छा आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या ओके ओके ट्राई करिए कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन पढ़िए आराम से ट्राई करिए हाँ भाई हाँ बताओ बताओ क्या सोच रहे हो आंसर कितने लोग का टू आ रहा है हाउ मैनी ऑफ यू जिनका आंसर टू आ रहा है जो भी आंसर आ रहा है चैट में टाइप करो यार फटाफट एनर्जी हाई रखो यार डल मत हो जाओ मेरे सामने अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पांच घंटे से खड़ा हूं तो तुम्हें बैठ करके पढ़ना चाहिए <coughs> हाँ। जल्दी बताइए भाई सर आप कौन सी कंट्री से लाइव ले रहे हैं जो आपको ठंड नहीं लग रही है भाई यहां जो खून है ना खून उसमें उबाल है उबाल यहां ठंड वर् नहीं लगती तो आंसर बता जल्दी से फटाफट कुछ लोगों का तीन आ रहा है कुछ लोगों का दो आ रहा है ये कैसे हो गया भाई एक बात बताना इसकी वजह से यहां पर क्या लिखोगे ये जो है ए डाइपोल ए उसके लिए एक्सिल पोजीशन है और एक्सिल पोजीशन पर फील्ड क्या लिखोगे टू के पी वन अपॉन आर क्यू बोलो ना और ये देखना जो बी डाइपोल है उसके लिए एक्सिल है इक्विटोरियल है दिस इज एक्टोरियल पोजीशन तो इक्विटोरियल पोजीशन पर क्या लिखोगे के पी टू बाय आरक्यू तो ये दो वेक्टर आ गए इनका रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं हा ना? और ये एंगल हमें दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अरे भाई ये एंगल इन्होंने बता दिया कि 37 डिग्री है तो मेरे भाई टेन 37 डिग्री बराबर आप क्या लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर अपॉन बेस बोलो हा या ना परपेंडिकुलर ये रहा बेस ये डिवाइड मार दो डिवाइड मारोगे तो देखना जल्दी से मेरे भाई ये वैल्यू आएगी पी टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ पी वन और ये वैल्यू होती है तीन बटे चार हमें यहां पे देख लेना भाई ध्यान से यहां गलती हो सकती है जो लोग आंसर टू बता रहे हैं ना उन्होंने पी टू बाई पी वन निकाल दिया होगा ये सब छोटी मोटी गलती मत करो यार ये गलतियां बहुत हो जाती है यहाँ पे पी टू बाई पी वन निकालना नहीं है पी वन बाई पी टू निकालना है तो पी वन बाई पी टू की वैल्यू कितनी आ रही है दो बटे तीन आ रही है जिन लोगों का आंसर टू आ रहा है ना उन्होंने सिली एरर कर दिया है भाई ध्यान रखो ऐसे गलतियां करोगे क्या ये एक एक क्वेश्चन जो है ना तुम्हारी रैंक को लाखों रैंक पीछे फेंक सकते हैं मेंस में पता इस है इस बार कंपटीशन टफ है इस बार कंपटीशन टफ है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है बताओ पिछले सालों के जितने भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं भाई आंसर विल बी द द्री नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई अगले सवाल पे आ जाओ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ओके नाइस आपके पास दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं और उनका डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है एक का ये और एक का ये शायद इन्होंने यूनिट गलत लिख दी है है ना क्योंकि यूनिट ये थोड़ी ना होगी सेंटीमीटर qd होता है ना कूलम्स सेंटीमीटर लिखना चाहिए था आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ओके नाइस रेशियो ऑफ अम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सॉरी नाइनटी तभी टॉर्क मैक्सिमम होगा तो भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया यार <laughs> मैं जब पढ़ रहा था क्वेश्चन को तो मुझे लग रहा था ये तो कुछ क्वेश्चन टफ है यार रेशियो निकालना है भाई टॉर्क के मैक्सिमम का रेशियो निकालना है तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू पी वन ई वन अपॉन क्या लिखोगे पी टू इंटू टू पी वन पी वन क्या होगा वन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी इंटू वन ई वन क्या होगा टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी डिवाइड डिवाइड करोगे पी टू पी टू बताओ क्या लिखोगे फाइव इंटू टेन की पावर सॉरी अरे भाई क्या लिख दिया उल्टा लिख दिया टू पॉइंट फोर तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 5 10 की पावर डिनोमिनेटर में P2. P2 कितना लिखोगे? .4 10 की भाई कैलकुलेशन सही चल रही है पावर सारी कैंसिल आउट हो गई ये बनेगा एक बटे दो और ये बनेगा एक बटे तीन आंसर शुड बी वन बाई सिक्स एक्स की वैल्यू छायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सिक्स शुड बी द करेक्ट आंसर क्या आपका भी सिक्स ही आ रहा है क्या बोलो यस और नो क्या भाई दृष्टि विनायक ये विनायक सुधर कैसे गया एकदम आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ आ जाओ ये बताओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपने लास्ट क्वेश्चन में पी वन का इक्विटोरियल क्यों नहीं लिया एक मिनट रुकना भाई क्या कह रहा है भाई सुन लेता हूं भाई पी वन जो है ना वो ये है और पॉइंट सी यहां पर है तो यार ये तो एक्सियल पोजीशन हुई ना पी वन के लिए एक्सियल है और पी टू के लिए इक्विटोरियल है जो है वही तो लूंगा अपने मन से थोड़ी ले रहा हूं भाई ठीक है आ जाओ नेक्स्ट अब ज्यादा सवाल नहीं है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर भाई ये क्वेश्चन पढ़ा तुमने स्पेरिकल कंडक्टर याद रखना कि अगर एक स्पेरिकल कंडक्टर दिया है तो तुम उसे बिल्कुल वैसे डील करोगे जैसे वो एक हॉलो स्पेयर है क्या है एक हॉलो स्पेयर है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी कंडक्टर पे तुम जो भी चार्ज देते हो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है क्योंकि कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी क्या होती है जीरो होती है तो याद रखना एक अगर सॉलिड क्या सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर दिया हो तो सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर तुम्हारे लिए एक हॉलो स्पेयर होगा जो भी हम सप्लाई करेंगे वो चार्ज सरफेस पे आ जाता है किधर आ जाता है सरफेस पर आ जाता है तो भाई जल्दी से बताना यहां पर आपसे सिंपल एक पोटेंशियल का क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ भाई क्या आ रहा है आपको ये बात पता है कि एक हॉलोस्पियर के अंदर हर जगह पोटेंशियल्स कॉन्स्टेंट होगा और वो वही होगा जो सरफेस पे होता है और बाहर उसका वेरिएशन के क्यू बाय स्मॉल आर होगा तो आंसर शुड बी थ्री थ्री होगा थ्री ये तो सबको याद होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मत बना देना कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ग्राफ होगा ये ग्राफ किसका होता ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाता तो आप ये टिक करते अभी ये होगा ठीक है डन बोलिए भाई क्लियर है सभी को तो मुझे लगता है कि लगभग ये मेरे हिसाब से आखिरी सवाल था इसके आगे है भी नहीं इसमें तो अब तुम्हें क्या करना है आगे वो मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छा ये माइंड मैप तुम लोगों के पास है क्या ये मैप तुम लोगों के तुम में से कितने लोगों के पास ये मैप है ये हमारे जो बनाए हुए माइंड मैप्स हैं वो कितने लोगों के पास है? अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंडिंग पेज है ना उस लैंडिंग पेज पर आप जा सकते हैं और वहां पर शॉर्ट नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा ठीक है वहां पर आपको इस तरीके के ब्रेन मैप्स सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे जो कि आपकी लास्ट के डेज में किसी भी चैप्टर को जल्दी से कम इंटरवल में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे और अगर आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स हैं तो वेल एंड गुड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई तो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है आई होप hope, और होपफुली आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिली भी होंगी देखो फिर भी मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कर लिया तो सब कुछ हो गया आपके पास अपने क्लास नोट्स हैं आप उन क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को जरूर एक बार लगा लीजिएगा और जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है फॉर्मूला बुकलेट के नाम से है ये किस नाम से है फॉर्मूला बुकलेट के नाम से है सो हाउ वाज़ द सेशन कैसा रहा भाई आज का सेशन कुछ सीखने को मिला कुछ रिवाइज हुआ देखो ये सेशन कितने घंटे का रहा लगभग मेरे हिसाब से नौ बजे शुरू हुआ था ना चार घंटे हो गए अपन को लगभग अब ये सेशन करने से फायदा पता है क्या होगा अब तुम्हें रिविजन करने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पहले अगर किसी चैप्टर को रिवाइज करने में तुम्हारा एक दिन जाता ना तो अब तुम ये मान के चलो कि तुम्हें बस अब चार घंटे और देने बस और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा डन चलिए ओके नाइस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस और आपकी एनर्जी को सलाम है भाई कि इतनी रात को आप इतने लंबे समय तक इतने लंबे सेशन में टिके रहते हैं आपका जो जज्बा है वो वाकई में मतलब काफ़ी काबिल तारीफ है यार मतलब इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग है लेकिन आप फिर भी टिके हुए हैं क्वेश्चंस लगा रहे हैं बराबर और मेरा मानना यह है कि देखो यार ये किसी को नहीं पता कि किसकी क्या रैंक आएगी है, है ना क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जिस फेज में आप हैं उस फेज में से जीवन में मैं भी निकल चुका हूँ मैंने भी जब जेई की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने भी वो सब कुछ फेस किया जो आज आप लोग फेस कर रहे हैं लेकिन इट इज़ अ पार्ट और मुझे एक बात समझ में आती है जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ और तुम सभी को कह रहा हूँ कि भाई किसी को नहीं पता जीवन में हमें मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है मेहनत करना और प्रयास करना तो हमें अब कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए और ये सोचना है कि मान लो ये एक मैराथन है क्या है मैराथन मैराथन जानते हो तुम लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की जो लंबी लंबी रेसेस होती है तो उस मैराथन में हजारों लोग एक साथ दौड़ते हैं तो उस मैराथन में ये मैटर नहीं करता कि उस मैराथन को कौन जीतेगा वहां पता है मैटर क्या करता है कि वो लॉन्ग मैराथन तुम लोगों ने कंप्लीट किया या नहीं किया तो ये जो जेई की प्रिपरेशन चल रही है मुझे पता है कि आपके माइंड माइंड में बहुत सारे अप एंड डाउन चल रहे होंगे थोड़ा सा डर भी लग रहा है ना फियर ऑफ फेलियर कि यार पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अच्छा परसेंटाइल आएगा या नहीं आएगा लेकिन अ पार्ट ऑफ दिस कोई भी खिलाड़ी के मन में ये डर तो रहता ही है लेकिन मुझे ये लगता है कि एक लॉन्ग मैराथन में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं किस रैंक को अचीव करूँगा इम्पोर्टेंट ये है कि उस मैराथन की जो फिनिश लाइन है वो मुझे टच करनी है तो तुम सभी लोग जो इस समय मेरी बात सुन पा रहे हैं ये मुझसे प्रॉमिस करो कि भाई जब तक ये जद्दोजहद चलेगी जब तक ये संघर्ष चलेगा जब तक कि हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा चाहे कितने भी अप एंड डाउन आ जाए लेकिन अपन लोग टिके रहेंगे पूरा अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट करेंगे और फिनिश लाइन को टच करेंगे जब फिनिश लाइन को टच कर लो ना तो एक बार पीछे मुड़के यूं देख लेना अगर पीछे मुड़के देखो और तुम्हें कोई ना दिखाई दे मतलब तुम सबसे आखिरी बंदे अगर हो तो जीवन में तुम ये मत सोचना कि तुम हार गए याद रखना कि वो जो सुकून होगा ना उस फिनिश लाइन को टच करने का वो तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा और जितना मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है मुझे यार एक ही चीज समझ आती है कि कोई भी एक एग्जाम कोई एक रैंक किसी का फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकते आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छी रैंक ना ला पाए लेकिन फिर भी मैं बता दूं अगर आप जीवन को पांच साल बाद या दस साल बाद देखेंगे तो लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो इंसान होता है जिसने उस खेल को अंतिम क्षण तक पूरे प्रयास के साथ लड़ा है अपना हंड्रेड परसेंट दिया है तुम्हारी रैंक क्या आएगी इसके बारे में मत सोचो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बिल्कुल मत सोचो अपनी पूरी एनर्जी लगा दो झोंक दो जिससे कि कल जब ये खेल खत्म हो तो आपको हार या जीत से ज्यादा इस बात की खुशी हो कि यार मजा आ गया मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया ये मेरा लाइफ का बहुत सिंपल सा फंडा रहा है मैंने अपनी लाइफ में जिस भी काम को करता हूं ना भाई पूरा हंड्रेड परसेंट देता हूं मुझे भी नहीं पता होता कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा इससे मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी लेकिन मुझे ये लगता है कि लाइफ में अगर बहुत बड़े मुकाम हासिल करने हैं ना तो उन बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए लाइफ के ये छोटे छोटे स्टेप्स को आपको क्रॉस करना ही पड़ता है तो संघर्ष करते रहो बिना किसी लालच के कि मेरा सलेक्शन होगा या नहीं होगा जो लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं जो आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हें भी कभी नहीं पता था कि वो एक दिन इतने सक्सेसफुल बन जाएंगे क्योंकि पता नहीं किस्मत कब चमक जाए कभी भी चमक सकती है लेकिन मुद्दा यह है कि अपने आप को हमेशा तैयार रखो इंतजार मत करो कि मुझे जब मौका मिलेगा तब मैं अच्छा करूंगा मैं पढ़ना तब शुरू करूंगा जब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे चिंता मत करो मार्क्स खराब भी आए तो भी पढ़ो लगातार पढ़ते रहो एफर्ट्स मारते रहो तुम्हारे एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तुम ये सोच करके पढ़ो कि ये मेरा शौक है मेरा पागलपन है कि मैं जिस काम को करता हूं ना उस काम को अंतिम क्षण तक पूरी एनर्जी झोंक करके करना है चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे अगर लाइफ में इन वैल्यूज को तुम अपने ऐड कर लोगे ना तो सच बता रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है टैलेंट अपनी जगह होता है आई अपनी जगह होता है लेकिन देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ योर हार्डवर्क अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे लगातार मेहनत करते रहेंगे और अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते रहेंगे तो ये बात मैं बता सकता हूँ भाई कि जीवन में एक दिन सक्सेस जो है ना वो आपके कदम जरूर चूमेगी तो बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू इसी तरीके से और मेहनत करते रहिए आगे मैं इस तरीके के और भी आपके लिए सेशंस लाता रहूंगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा लेकिन मेरे प्रयास आपको भी पता है इज नॉट सफिश क्योंकि खेल आपको खेलना है मैं तो एक कोच हूं मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपको सही डायरेक्शन दिखा सकता हूँ लेकिन इस खेल के असली खिलाड़ी आप आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपकी रैंक क्या आएगी ये सब आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा तो भाई पूरे मेहनत शिद्दत से लगे रहो संघर्ष करते रहो मैं अपनी तरफ से अप नहीं करूंगा ये मेरा प्रॉमिस है मैं पूरा प्रयास करूंगा जनवरी में अभी आप जो मोड देख रहे हो जेई मेन्स जैसे जैसे करीब आता जाएगा आप मेरा मोड इससे भी ज्यादा एग्रेसिव देखेंगे कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपकी एनर्जी बहुत हाई है ये मेरी कोई भी एनर्जी नहीं है असली एनर्जी तो तब दिखाऊंगा जब जेई मेन्स में मात्र आपको दस से पंद्रह दिन बचे होंगे उस समय वो समय आपकी लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल रहेगा क्योंकि आपको पता एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले हमने क्या रिवाइज किया कौन से चैप्टर्स में कौन से फॉर्मूले पढ़ के गए वो डिसाइड करता है कि वो फाइनल डे हमारा कैसा जाएगा तो लगे रहो मेरा पूरा साथ तुम्हारे साथ है और इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहो और मेहनत अगर करोगे ईमानदारी से करोगे तो मेरा मानना यह है कि जिसके अंदर चाह है उसे राह मिल जाएगी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे चलते जाओ चलते जाओ अपने आप आगे के रास्ते तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे बहुत ज्यादा लॉन्ग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है लॉन्ग प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच बताऊं तो जीवन में किसी को भी नहीं पता कि वो आज से चार साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद कहाँ होगा तो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल आज तुम्हारे हाथ में अगर कुछ है तो क्या है आज का पल तो आज के इस पल को पूरा जीजान से मेहनत करते हुए ईमानदारी से जियो और मस्त रहो तो चलिए जय हिंद मुलाकात होगी अगले सेशन में फिर से एक धमाकेदार सेशन के साथ और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो ओके बाय बाय टेक केयर सर एस एच एम की पी डी एफ नहीं मिली है मुझे लगता है आई थिंक एस एच एम की पी डी एफ भेज दी गई है मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा नहीं मिली है तो ठीक है ओके okay, नाइस nice. एक बात और याद रखिएगा लास्ट में मुझे याद आया कि आज से दो साल बाद या तीन साल बाद जब तुम कहीं पर होगे कहीं किसी बालकनी में रात के एक बजे या दो बजे बैठे होगे तो पता है उस समय तुम्हें क्या याद आएगा तुम्हें ये दिन बहुत याद आएंगे याद रखना तुमने जेई की प्रिपरेशन जो करी है रात को एक एक दो दो बजे तक टिके हुए हो लगे हुए हो ये दिन तुम्हें जीवन भर याद रहेंगे और यही तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे ओके बाय बाय सेशन कैसा रहा कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा क्योंकि मैं आपके कमेंट्स बहुत सिंसियरली पढ़ता हूँ भाई पता है आपको ये बात इसलिए आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ एक जेन्यून फीडबैक देके जाइएगा किस तरीके का रहा जिससे मुझे आगे के सेशंस और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाऊँ उसमें हेल्प मिलेगी थैंक यू बाय बाय